कोई दिक्कत नहीं आएगा हमारे बेटा एक स्कूल बार। में, चल के मेरे स्कूल में पढ़ाया था वो दोनों इजी है में। वो, इजी है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है वो, ज्यादा इजी है, सिस्टेमेटिक भी है। चलो बट एक बार ये फिनिश करें, करें लेट स्टार्ट। यस यस सर, सर। यस सर, स्टार्ट करते हैं। बेटा लास्ट क्लास के अंदर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टी में मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल पढ़ा था हम लोगों ने, और यस सर, हमने मॉडर्न ये मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ और मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल और उसका अचीवमेंट कर लिया था। और आई थिंक वेयर वर वी वर ऑन द लास्ट स्टेज, क्या था आपका सर लिमिटेशन? ड्रॉबैक्स लिख रहे थे सर, वी मेंडेलीव हैव टू स्टडी ड्रॉबैक्स, मेंडेलीव्स ड्रॉबैक्स, लॉ वी के हैव ड्रॉबैक्स टू स्टार्ट टुडे द ड्रॉबैक्स ऑफ द मेंडेलीव पीरियोडिक ऑफ। ओके, टेबल। ऑन लिमिटेशन ऑफ। सर मैंने नेट पे एक रिसेंटली पढ़ा मेंडेलीव के क्लासिफिकेशन से रिलेटेड सर। अभी मतलब दो रशियन साइंटिस्ट है सर, वो मतलब नई पीरियोडिक टेबल प्रपोज कर रहे हैं जिसमें एटॉमिक नंबर और एक नया कंसेप्ट मेंडेलीव नंबर भी इंट्रोड्यूस होगा। अच्छा यस सर, लेट्स सी, देखो आता है तब देखते हैं। तो बेटा देखो, लिमिटेशन ऑफ मेंडेलीव क्लासिफिकेशन में आपका पहला लिमिटेशन क्या था कि इसके अंदर आपने देखा होगा कि हाइड्रोजन की जो पोजीशन है, जो हाइड्रोजन का पोजीशन है वो क्लियर नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब क्लियर का मतलब है कि उसने जो है, मेंडलीव ने फर्स्ट ये था कि मेंडलीव कुड नॉट असाइन ए करेक्ट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। पोजीशन टू हाइड्रोजन, या सिंपली वी कैन से दैट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट क्लियर। ऐसा क्या रीजन है? देखो, लेकिन सर मेंडेलीव कुड नॉट असाइन ए करेक्ट पोजीशन टू हाइड्रोजन। मेंडेलीव कुड नॉट असाइन, मेंडेलीव जो है वो कुडंट असाइन ए करेक्ट पोजीशन टू हाइड्रोजन, बिकॉज इट मींस पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन नॉट क्लियर। तो एक्सप्लेन करते हैं ऐसा क्या रीजन है भाई। देखो, आपको कुछ आइडिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का होगा बेटा, जैसे हाइड्रोजन है, सर, वन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1। अगर सर हाँ बेटा, सर ये 1s1 वाला सिस्टम सर हमें नहीं बताया गया सर, कोई हमको बात पता नहीं है बेटा, अभी एक बार देख लो, अभी बताऊंगा आज की क्लास में, जिन बच्चों को नहीं लो। आएगा ना उसको ही बताऊंगा मैं। तो 1s1 एक बार देखो, 1s1 हाइड्रोजन, पहले मैं कंप्लीट कर लूं ये वाला पॉइंट, फिर ये एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, ठीक है? तो यहाँ पे सर हाइड्रोजन, ये ब्लॉक का नाम है क्या? हाँ, एस मतलब ऑर्बिटल होता है, ब्लॉक होता है जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है। तो 1s1 देखो आपका एक्चुअल में ये क्या है कि थोड़ा सा मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूं आपको, 9th क्लास में ये पार्ट था। जनरली क्या है कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं, जनरली बात करें अपने, नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो फिक्स होते हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स होते हैं बेटा। यस यस सर, प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी में फिक्स होते हैं, जैसे हाइड्रोजन में 1 होता है, हीलियम में 2 होते हैं, लिथियम में 3 होते हैं, ये फिक्स नंबर है, बेरिलियम में 4 होते हैं, बोरोन में 5 होते हैं, कार्बन में 6, सिक्स होते हैं, में सिक्स 7, ऑक्सीजन में सेवन 8, सेवन एट एट, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन में नाइन 9, नाइन नियॉन में नियॉन में टेन 10, नियॉन में नियॉन टेन और सोडियम में इलेवन 11, वन मैग्नीशियम में 12 12, एल्यूमिनियम ट्वेल्व में 13, थर्टीन सिलिकॉन में 14 14, फोर्टीन फास्फोरस 15, फिफ्टीन सल्फर 16, फ्लोरीन सिक्सटीन 17 और आर्गन 18 आर्गन आर्गन 18 पोटेशियम 18, और फिर 20 तक हम लोग, पोटेशियम पोटेशियम 19 और कैल्शियम 20। कैल्शियम 20 20 ये फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है किसी भी एलिमेंट में, ठीक है? अब बेटा यस होता क्या सर है कि जैसे आपने, अब इसको थोड़ा सा ट्रिक से एक बार याद कर लो कि जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, क्या लिखते हो? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं बेटा जब हम, तो
तो देखो इसमें अगर फर्स्ट है तो हम इसमें लिखते हैं फर्स्ट एस, बस ओनली वन एस, क्या लिखेंगे इसको, वन एस, वन एस के बाद जैसे सेकंड स्टार्ट हो गया तो हम लिखेंगे टू एस एंड टू पी, दो बना देंगे, एक एस बना देंगे एक पी, ये जगह है इलेक्ट्रॉनों का, जगह है, इसको सबशेल बोलते हैं हम, वन शेल होता है, सेकंड सब शेल होता है, जैसे थर्ड है तो थर्ड में थ्री होंगे, ये थ्री कौन से होंगे देखो, थ्री एस थ्री पी थ्री डी सब शेल, थ्री एस थ्री पी थ्री डी, जैसे फोर्थ शेल स्टार्ट हो गया तो फोर एस फोर पी फोर डी फोर एस, मतलब जैसे ये न्यूक्लियस है, देखो ऐसे समझो जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में ये फर्स्ट शेल है, ये नाइन्थ में होता था फर्स्ट शेल, तो एन इज इक्वल टू वन बोलते थे हम, सेकेंड शेल एन इज इक्वल टू टू बोलते थे हम, थर्ड शेल एन इज इक्वल टू थ्री बोलते थे हम, ये शेल है बेटा शेल, तो शेल नंबर फर्स्ट शेल नंबर सेकेंड शेल नंबर थ्री थर्ड, उनके नाम थे के एल एम, के एल एम एन, ऐसे चलता जाता है बेटा, फोर्थ भी बना सकते हो आप, फोर्थ तक जंगली जरूरत पड़ती है अभी आपको, तो न्यूक्लियस के आगे कुछ जगह है उनको शेल बोला गया इलेक्ट्रॉन वाले को, जैसे फर्स्ट शेल सेकंड शेल थर्ड शेल फोर्थ शेल, नाम क्या है फर्स्ट शेल का, जैसे के एल एम एन, क्लियर यहां तक, यस सर। हर शेल के अंदर, हर एक बार मुझे कंप्लीट करने दो बेटा, फिर आप सब क्वेश्चन करना अपने, हर शेल के अंदर जितना शेल का नंबर होता है उतने सब शेल होते हैं, जैसे n इज इक्वल टू वन है तो इसमें सब शेल वन ही होगा, शेल के अंदर क्या बोल रहे हैं हम, सब शेल, ये बिल्कुल ऐसा है बेटा जैसे आपने ट्रेन देखी होगी, है ना, ट्रेन में क्या होता है, कंपार्टमेंट होता है, बोगी होती है कंपार्टमेंट, जैसे इंजन है, सपोज ये इंजन है, इंजन के आगे बोगी होती है, बोगी नंबर वन बोगी नंबर टू बोगी नंबर थ्री बोगी नंबर फोर, हर एक बोगी में कंपार्टमेंट होते हैं बेटा, तो यहां पर हम शेल और शेल के अंदर क्या यूज कर रहे हैं बेटा, सब शेल, जैसे n इज इक्वल टू टू है तो इसके अंदर टू सब शेल होंगे, n इज इक्वल टू थ्री है तो इसके अंदर थ्री सब शेल होंगे, और n इज इक्वल टू फोर है तो बेटा इसके अंदर कितने सब शेल होंगे, फोर फोर। जब भी नाम देना हो किसी का, जिसमें भी नाम देना हो जिस भी सब शेल का, तो आप स्टार्ट करोगे s से, पहला होगा तो हमेशा वन एस होगा, जैसे सेकेंड वाले में दो है तो पहला एस दूसरा पी, टू एस और टू पी, तीसरे वाले में देखो थ्री है तो क्या होगा, थ्री एस थ्री पी थ्री डी, फोर्थ वाला है तो बेटा उसमें पहला होगा फोर एस फोर पी फोर डी फोर पी फोर डी फोर एफ, यहां तक क्लियर, यस सर। अब कभी भी एस में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं एस में वो टू आएंगे, एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, टू। जब भी एस देखो फिर एस आ गया तो कितने आएंगे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, टू। पी है तो फोर और बढ़ा दो, टू और फोर कितने हो जाएंगे, सिक्स, ऐड कर देंगे फोर सिक्स। फिर देखो वापस एस आ गया तो एस में कितने आएंगे, टू। पी में फिक्स है कितने आएंगे, सिक्स सिक्स। डी है तो फोर और बढ़ा दो, टेन और एफ होगा तो कितने हो जाएंगे बेटा, फोर्टीन। तो देखो इसमें कितने आ सकते हैं, एस में टू पी में सिक्स डी में टेन F में 14। तो आपको याद होगा, अब थोड़ा सा मैं 11th में रिमाइंडर ले जाता हूं आपको, कि आपको याद होगा आप निकालते थे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक फार्मूला यूज करते थे, नो सर 2n² मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन गिवन शेल, तो क्या फार्मूला होता था जैसे आप लोग बोल रहे हो बेटा 2n² 2n square. तो n ये क्या होता था, शेल नंबर है, नंबर ऑफ शेल नंबर। अब सपोज 2n फार्मूले से निकालो, अगर n इज इक्वल टू 1 होगा, n इज इक्वल टू 1 होगा तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, देखो 2n का 2 आएंगे सर, ये देखो 2 आ गया ना, ये देखो 2 हो गया, क्लियर।
इसमें देखो टू आ गया, एन इज इक्वल टू, हाँ सर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बढ़ा दो अभी सर, 1s 2s 2p सर ये वाला नहीं आ रहा था बस, आ जाएगा बेटा अभी अभी वही सिखा रहा हूँ ना, अभी देखना आप, देखो n इज इक्वल टू 2 है, मान लो n इज इक्वल टू 2, तो 2 को तो पहले ये याद कर रहा है कि n इज इक्वल टू 2 का मतलब शेल नंबर, शेल नंबर 2 आ गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे टोटल, देखो 2n का स्क्वायर, 2 * 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 * 2 का स्क्वायर सॉल्व करोगे सर 8 8 हो जाएंगे सर 8, तो यहां देखो कितने लिखे हैं मैंने, सर 8 8 लिख दिए, तो s में हमेशा 2, p में हमेशा 6, टोटल निकालने तो 2n स्क्वायर, तो n में देखो टोटल कितना आएगा, थर्ड वाले में देखो 2n स्क्वायर से निकालो, 2n स्क्वायर 2 * 3 का स्क्वायर 18 18 यहां देखो सर 18, अब यहाँ देखो लिखे हैं सर 18 ही है, 2 6 और 2 8 और 10 18, तो डी में 10 आ गया, ऐसे ही आप फोर्थ में भी निकाल सकते हो, यस सर 2 * 4 का स्क्वायर 22, 32 6 10 14 32 आ जाएगा, 32 आ जाएगा। अभी जो मैं आपको कह रहा हूँ क्या याद रखना है, आपके पास सब शेल कौन से हैं, शेल नहीं सब शेल कौन से हैं, सब शेल एस पी डी एफ, एस पी डी एफ, और एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, टू टू मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, पी में कितने आएंगे मैक्सिमम 6, बढ़ाते जाना 4 बढ़ाते जाना, डी में कितने आएंगे 10, एफ में कितने आएंगे 14, क्लियर है अब ये वाला पॉइंट, क्लियर है, यस सर यस सर, अब आ जाओ और फर्स्ट स्टार्ट किससे करोगे, सबसे पहला कौन सा होगा, 1s 1s क्या आएगा देखो, 2s एंड 2p 3s 3b 4s 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 4s
आएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में, हायर क्लासेस में आएगा 3D, लेकिन इलेक्ट्रॉन 4s में फिल करोगे, बट ये हायर क्लासेस की बात है। अभी आएगा 4s का एनर्जी लेवल जो है वो 3D से थोड़ा कम होता है। हाँ, वो रीजन होगा उसका, वो n + l रूल होता है, इक्वल टू 4 होता है उसमें। ठीक है, अब चलें वापस आई पॉइंट पे। सर स्लाइड नीचे कर दीजिए, वही वाला जो अभी लिखा था, ये वाली चीज। यस सर, यस सर, एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। कर लो, कर लो। सर इलेक्ट्रॉन सबशेल्स में भी बैठते हैं, सबशेल में आगे ऑर्बिटल होते हैं, उनमें भी जाते हैं, वो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर होता है। सर क्वांटम नंबर्स में पढ़ेंगे। हाँ, वो क्वांटम नंबर से पढ़ते हैं। बट अब मैं उतना ही आपको एक बार बता रहा हूँ। इसमें ऑफ बोथ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही हम 4s में पहले भर देते हैं इलेक्ट्रॉन। हाँ हाँ बेटा, वो 4s ऑफ बोथ के अकॉर्डिंग। सडन चले बेटा, आगे सर, आगे चलो। यस सर, सर हाँ बेटा बोलो। सर इंटेंसिव सर ऐसा पूछना आ सकता है कि जैसे एनर्जी बताओ एनएस, वो इलेक्ट्रॉन की एनएस सेल में कितनी होगी? वो आ सकता है बेटा, लेकिन वो अब नाइन्थ का टॉपिक है ना, वो एटॉमिक स्ट्रक्चर सर नाइन्थ का भी आता है उसमें। हाँ नाइन्थ का आता है, तो वहां से आ सकता है। तो सर एनर्जी कैसे निकालेंगे फिर इलेक्ट्रॉन की, बता देंगे? बेटा यहाँ तो फिर मुझे बहुत कुछ पढ़ाना पड़ेगा, अभी नहीं बता सकते अपने, क्योंकि उसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ाने पड़ेंगे, उससे देख के बताते हैं हम, है ना। तो अभी वो पॉइंट बियॉन्ड हो जाएगा, तो अभी एक बार अपने अपने टॉपिक पर आते हैं। तो ये देखो, हमारा टॉपिक ये था कि लिमिटेशन ऑफ मेंडेलीव क्लासिफिकेशन क्या है, कि मेंडेलीव जो है वो पीरियोडिक टेबल की करेक्ट पोजीशन असाइन नहीं कर सका था, मतलब पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन क्लियर नहीं था। कैसे क्लियर नहीं था देखते हैं। देखो हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन कितना होता है बेटा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉन लिखेंगे 1s1 लिखेंगे हम। यस सर, 1s1 है, तो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 1 इलेक्ट्रॉन आउटर one. क्या अकेला शेल है, इलेक्ट्रॉन इन आउटर शेल इज इक्वल टू 1।
अब इस हिसाब से देखें, जो भी आपके पास एल्कली मेटल होगा बेटा, एल्कली मेटल, एल्कली मेटल, एल्कली मेटल कौन होता है, कौन कौन से वाले? सर जो कि बेसिस विद सॉल्युबल इन वाटर, हां सॉल्युबल बेस बनाते हैं, एक और लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, ये लिथियम मेटल है। अगर एल्कली मेटल कोई सा भी उठा लो बेटा, जैसे लिथियम लो आप, लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। यस सर। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो 1s पहले आएगा, सबसे पहले 1s, s में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 2। इसके बाद देखो स्टार्ट हो जाएगा सेकंड वाला, सेकंड में 2s और 2p होते हैं सेकंड में। यस सर, 2s में 1 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा। लेकिन टोटल इलेक्ट्रॉन आपके पास 3 ही है, तो 2s में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन दोगे, p खाली हो जाएगा रहेगा। तो अब जो आउटर मोस्ट शेल है वो तो सेकंड नंबर वाला है ना ये रहा? यस सर। यस सर। और यहाँ आउटर मोस्ट शेल यही था। तो लिथियम देखो, तो इसमें देखो बेटा लिथियम के अंदर इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल कितने आए? 1। बिल्कुल उस जैसे आए जैसे किसके अंदर थे? हाइड्रोजन में। तो एल्कली मेटल कोई सी भी लोगे तो एल्कली मेटल में भी इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल या आउटर शेल वो 1 आता है, आउटर शेल 1 आता है। जैसे मान लो सोडियम लिख के देखें अपने, सोडियम Na, Na का बेटा पहले एटॉमिक नंबर याद करो 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 1s में 2, 1s 2, 2s 2, 2p6, 3s1। देखो 11 तक इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। यस सर। तो आउटर मोस्ट शेल थर्ड वाला है, देखो इरा 3 है तो 3s भी होगा, 3p भी होगा, 3d भी होगा, लेकिन वो खाली रहेंगे, यह भी डाल दिया करो। तो फिर देखो अगेन बेटा इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल कितने आए? सर 1 ही आया, 1। और वो भी सर s सब शेल में ही आ रहा है, सब s में आ रहा है। इसका मतलब हाइड्रोजन का इन सब को देख के हमारा कंक्लूजन क्या निकला, इस सब सारी स्टडी देख करके, ये देख करके हम क्या बोल सकते हैं कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन है वो किसके जैसा है? एल्कली मेटल के, एल्कली मेटल की तरह है, ब्लॉक के जैसा। एल्कली मेटल की तरह है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज लाइक द एल्कली मेटल, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन इज सिमिलर विद एल्कली मेटल, दैट ऑफ एल्कली मेटल। क्लियर सर? सर वैसे हमने सर KLMNO की जगह पे हमने ये वाला सिस्टम क्यों अडॉप्ट किया सर, इसका क्या बेनिफिट है? वो अब फिर वही बात है ना, बार बार नाइन्थ में जाना पड़ रहा है, वो नाइन्थ का एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला पार्ट है कि अगर जो मेन शेल होते हैं उसके अंदर सब शेल होते हैं, उसके अंदर ऑर्बिटल होते हैं, वहां पर इलेक्ट्रॉनों की जगह बताई जाती है। जैसे हमारा 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 ये क्या एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जैसे हमारा एड्रेस क्या होता है कि भाई दिल्ली सिटी, दिल्ली सिटी के अंदर भाई जो भी कोई आपका टाउन, जो आपका ब्लॉक है, ब्लॉक नंबर, फिर उसमें हाउस नंबर है, ऐसे होता है ना। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन का भी होता है कि शेल कौन सा है, सब शेल कौन सा है, ऑर्बिटल कौन सा है, इसलिए ये चीजें आती है। ठीक है सब शेल को दिखा रहा है बेटा, शेल के अंदर सब शेल को दिखा रहा है। तो देखो अब क्या हुआ बेटा, पॉइंट क्या आ गया कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन किसके सिमिलर आ रहा है? विद एल्कली मेटल, एल्कली मेटल क्या आ रहा है। और सिमिलरली जैसे एल्कली मेटल जो होता है इसकी रिएक्शन भी जो होती है, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन आर ऑल्सो सिमिलर विद, इस जैसी है वो भी एल्कली मेटल। कैसे? जैसे देखो मान लेते हैं अपने, अगर किसी एल्कली मेटल, कोई सा एल्कली मेटल ले लो, जैसे आपने सोडियम लिया, सोडियम Cl के साथ मिलके क्या बनाता है बेटा? ये तो बड़ा पॉपुलर NaCl, सोडियम की तरह ही हाइड्रोजन Cl के साथ मिलके क्या बनाता है? बट NaCl आयोनिक है और HCl तो कोवेलेंट है। हाँ वो होने दो, हम फार्मूले की बात कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर फार्मूला बेस जा रहे हैं ना हम। ओके सर।
मेंडेलियम की पीरियोडिक टेबल क्या थी, वैलेंसी बेस थी वो, तो NaCl ऐसे ही बना रहा है HCl, जैसे सोडियम का जो ऑक्साइड है वो होता है Na2O, सोडियम का ऑक्साइड कौन सा होता है, क्या फार्मूला होता है, Na2O, और H अगर ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो वो क्या बनाता है, ऑक्सीजन के साथ H2O वाटर, हाँ, सोडियम सल्फर के साथ मिला बनाता है Na2S, और हाइड्रोजन भी सल्फर के साथ मिलाता है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S. तो रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन आर सिमिलर विद एल्कली मेटल एंड गिव प्रोटेक्ट ऑफ सेम फार्मूला. तो इन चीजों से क्या लगता है कि हाइड्रोजन की पोजीशन क्या होनी चाहिए इसके हिसाब से, इस हिसाब से हमारे पास हाइड्रोजन कहाँ होना चाहिए इन फर्स्ट ग्रुप. यस सर. इतना लिखो बेटा, फिर मैं इतना चलो तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ. फिर देखो मेंडेलिक क्यों नहीं असाइन कर सका, वो सारा एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं अपने. मेंडेलिक कुड नॉट असाइन ए करेक्ट पोजीशन टू हाइड्रोजन. क्या रीजन है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट क्लियर. क्या रीजन है कि हाइड्रोजन जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एल्कली मेटल जैसा है, इसलिए उसकी कुछ प्रॉपर्टी जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एल्कली मेटल जैसा है, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टी जैसे वो कुछ कंपाउंड जो बनाता है फार्मूला उनका सेम होता है जैसा एल्कली मेटल के साथ है. तो ये चीजें क्या शो कर रही है कि इसको हमें किस में रखना चाहिए, हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप में रखना चाहिए एल्कली मेटल के साथ. यस सर. सर आप डन है, चलो आगे. यस सर. देखो अगर ये पॉइंट देखते हैं तो यहां पर चाहे आप लिख दो इनका केस फर्स्ट करके लिख सकते हो, केस फर्स्ट ऑन बेसिस ऑफ अबोव हाइड्रोजन मस्ट बी प्लेस्ड इन फर्स्ट ग्रुप, ग्रुप फर्स्ट विद इसके साथ एल्कली मेटल. क्लियर. अगर हम ये सारा डिस्कशन देखें तो इसके बेसिस पर हाइड्रोजन को कहां रखना चाहिए, फर्स्ट ग्रुप के अंदर रखना चाहिए. बेसिस ऑफ अबोव हाइड्रोजन मस्ट बी प्लेस्ड इन ग्रुप फर्स्ट विद एल्कली मेटल. अब देखो बेटा केस सेकंड, हाइड्रोजन आल्सो शोज रिजेंबलनेस विद हैलोजन, कैसे, एज देखो कोई भी हैलोजन है तो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है सर, वो सर 2P5 के फॉर्म में, हैलोजन NP5 के फॉर्म में. हैलोजन एग्जिस्ट एज डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल. यस सर. डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल जैसे आपने देखा होगा Cl2. यस सर. F2 Br2 I2 है ना. और हैलोजन एग्जिस्ट एज डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल. सिमिलरली हाइड्रोजन आल्सो एग्जिस्ट एज नेचर डायटॉमिक मॉलिक्यूल. हमारी एटमॉस्फेयर में जो हाइड्रोजन है उसका भी किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, उसके अंदर डायटॉमिक O2. इसका मतलब ये तो सिमिलरिटी किसके साथ आ रही है, हैलोजन्स के साथ आ रही है. दूसरा पॉइंट आप देखोगे, अगर ये कोई भी हैलोजन जो किसी मेटल या नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करती है तो कोवलेंट कंपाउंड बनाती है. यस सर. हैलोजन react with another element to form covalent compounds. जैसे कोई example देखते हैं,
कि हमारे पास कोई हेलोजन है, सपोज क्लोरीन है, और ये क्लोरीन किसी और के साथ अटैच हो रही है, किसी भी एलिमेंट के साथ हम अटैच कर देते हैं, जैसे क्लोरीन बना रही है आपकी, कोई एग्जांपल ले लो ऐसा कि हेलोजन रिएक्ट विद अनदर एलिमेंट टू फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड, हेलोजन का कोई भी कंपाउंड जैसे हाइड्रोजन को छोड़ के, हाइड्रोजन को छोड़ के किससे बनाओ, जैसे कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, लेकिन ये तो आयनिक हो जाएगा, मुझे कोवेलेंट उठाना है ना, तो यस सर सही तो आयनिक है, हाँ सर CCl2, हाँ ऐसा ले लेते हैं, जैसे आपका बन रहा है CCl4, हाँ बिल्कुल सही है, वो एग्जांपल दे सकते हो, CCl4 होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 होता है, ऐसे ही देखो C के साथ हाइड्रोजन अटैच होता है तो वो भी क्या बनाता है, CH4 मीथेन गैस होती है ना, CH4 यस सर, कार्बन टेट्राहाइड्राइड मीथेन गैस, या इसको मार्स गैस भी बोलते हैं, ये दलदल में मडी एरिया में मिलती है CH4, CCl4 को बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्राक्लोराइड, तो कार्बन के साथ Cl भी अटैच होकर कोवेलेंट बना रहा है और ये भी बना रहा है, तो इसका मतलब हैलोजन रिएक्ट विद अनदर एलिमेंट टू फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड, सिमिलरली क्या शो करता है, सिमिलरली हाइड्रोजन आल्सो शो दिस, हाइड्रोजन आल्सो डू दैट, तो इसका मतलब इन प्रॉपर्टी के बेस पे हमें कहां रखना चाहिए हाइड्रोजन को, 17th ग्रुप में रखना चाहिए हाइड्रोजन ग्रुप, ऑन बेसिस ऑफ अबोव हाइड्रोजन मस्ट बी प्लेस्ड इन ग्रुप 17 विद हैलोजन, विद हैलोजन, इस हिसाब से आप देख रहे हो कि हाइड्रोजन की पोजीशन क्लियर नहीं आ रही, क्यों रखा फिर उसने मेंडलीव ने, तो उसको क्लियरिटी नहीं दे सकता वो कि भी आपने फर्स्ट ही क्यों रखा, आपने एल्कली मेटल की का साथ क्यों रखा, आप उसको हैलोजन के साथ क्यों नहीं रख रहे, प्रॉपर्टी के बेस पे तो हैलोजन भी आना चाहिए, तो इट मींस वो क्या नहीं कर सकता बेटा, इस सारी कंक्लूजन क्या बोलती है कि वो जो है इसका वो हाइड्रोजन की पोजीशन प्लेसिंग ऑफ हाइड्रोजन नहीं कर सकता, करेक्ट प्लेसिंग ऑफ हाइड्रोजन जो है ही कुडंट गिव करेक्ट प्लेस ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल, और सिंपली वी कैन से दैट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट क्लियर, और यही रीजन है बेटा कि आप किसी एक जगह रख नहीं सकते, हाइड्रोजन की यूनिक प्रॉपर्टी है, मेटल की तरह भी होती है और नॉन मेटल की तरह भी होती है, इसीलिए इसको वांडरिंग एलिमेंट बेटा, कहीं भी नहीं कर पाए इसको, इसीलिए तो इस एलिमेंट का एक स्पेशल नाम है, पता है क्या बोलते हैं इसको, वांडरिंग वांडरिंग एलिमेंट, क्या बोलते हैं इसको, वांडरिंग एलिमेंट, वांडरिंग वांडरिंग जो वांडर करता है ना, वांडरिंग आवारा होता है, जो इधर उधर घूमता है, कोई एक जगह जिसकी फिक्स नहीं होती उसको आवारा बोलते हैं, वही वांडरिंग वांडरिंग एलिमेंट बोलते हैं इसको, लेकिन मानते हैं कि नॉन मेटल ही है वो, मैक्सिमम प्रॉपर्टी नॉन मेटल की तरह जाती है, लेकिन मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह बिहेव करता है, यूनिक प्रॉपर्टी है, इसलिए आप क्या बोल सकते हो, वांडरिंग ना कह करके, वांडरिंग थोड़ा सा कैसा लगता है, ऑकवर्ड वर्ड लगता है, इसलिए क्या बोलते हैं भाई, जो जैसे देखो अपना कोई फ्रेंड होता है, अब उसको फ्रेंड बाल ऐसे वैसे ऐसे खड़े करके आ गया बाल सिर के, तो अपने को ऐसे लगेगा यार इसको क्या कहें, तो हम कहते हैं यार बड़ा यूनिक लग रहा है यार, है ना, ऐसे तो नहीं कहते ना कि यार आवारा लग रहा है, बोलते ना yes, sir. बुरा मान जाता है, yes, नहीं तो इसलिए फिर क्या है कि कई बार क्या बोल देते हैं इस हाइड्रोजन एलिमेंट को, हम वांडरिंग एलिमेंट, यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ यूनिक एलिमेंट, यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, यूनिक हाइड्रोजन हैज यूनिक प्रॉपर्टी, यूनिक पोजीशन, सर सर किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक स्ट्रक्चर पर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है ना, हाँ इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उस पे प्रॉपर्टी डिपेंड करती है, सर फिर इसकी कॉन्फ़िगरेशन तो एक नॉन मेटल की तरह लग रही है, तो सर फिर तो ये नॉन मेटल होना चाहिए ना,
नहीं हेलोजन की तरह भी तो लग रही है, जैसे हेलोजन में अपना इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए वन इलेक्ट्रॉन लेस होता है हेलोजन में, और इसमें भी तो अपना स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए वन ही लेस है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेस पे भी दोनों तरफ जा रहा है सर। हेलोजन भी तो नॉन मेटल ही होते हैं। हाँ तो हाइड्रोजन भी क्या है? नॉन मेटल। नॉन मेटल और एल्कली मेटल के साथ रख रहे हैं तो फिर क्या है? हाइड्रोजन मेटल लग रहा है ना, तो फिक्स नहीं है ना, कहने का मतलब इसकी प्रॉपर्टी पोजीशन इसका फिक्स नहीं है। कर लिया बेटा, हटा दो इसको। सर सर एक डाउट। हाँ बोलो बेटा। सर सेकंड पॉइंट में हम अनदर एलिमेंट की जगह नॉन मेटल्स भी लिख सकते हैं ना? मेटल नॉन मेटल दोनों लिख सकते हैं, दोनों के साथ आ सकते हैं, बस फर्क इतना होगा कौन से मेटल के साथ कोवलेंट बनता है। जैसे बोरोन वगैरह है, BH3 होता है ना, बोरोन वगैरह मेटल होती है, सिलिकॉन सेमी मेटल होती है, NH3। यस सर। BH3 बोरोन मेटल। ओके सर सॉरी। ओके सर चलो बेटा आगे चलो। यस सर एक तो इसका पोजीशन क्लियर नहीं हुआ, और नॉलेज क्लाउड में एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर सकते हो, वो जो मैंने बताया था अभी आपको, KC का मतलब मैं कभी लिखूं तो इसका मतलब क्या समझना है? नॉलेज क्लाउड। तो नॉलेज क्लाउड के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे? एक तो वांडरिंग एलिमेंट। वांडरिंग एलिमेंट। और थोड़ा सा अच्छे से बेइज्जती करनी है इसकी, तो फिर क्या नाम देते हैं? अवारा। इट मस्ट बी एलिमेंट। हाँ इट मस्ट बी असाइंड यूनिक पोजिशन इन पीरियोडिक टेबल। तो फर्स्ट तो बेटा ये था जो मतलब जो मेंडलीव है वो इसकी पोजिशन को क्लेरिफाई नहीं कर सके। सेकेंड होगा पोजीशन ऑफ आइसोटोप एंड आइसोबार्स। हाँ तो आइसोटोप या आइसोबार्स ऐसी जो चीजें होती है उनकी पोजीशन क्लियर नहीं है, तो सेकेंड हम क्या बोल सकते हैं? पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स इज नॉट क्लियर। देखो बेटा आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनका एटॉमिक नंबर सेम केमिकल प्रॉपर्टीज एंड सेम एटॉमिक नंबर एलिमेंट, जैसे हीलियम 3 एंड हीलियम 2। जैसे कार्बन के भी दो हैं सर, क्लोरीन 35 क्लोरीन 37 कार्बन पहले और कार्बन 30। हां बेटा देखो एलिमेंट है सेम एटॉमिक नंबर एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट मास नंबर। मास नंबर उसको हम बोलते हैं आइसोटोप। तो आपकी जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है वो किस पर बेस्ड है? मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल तो मास नंबर पर बेस्ड है, एटॉमिक वेट पर बेस्ड है। जैसे सपोज हाइड्रोजन के आइसोटोप्स देखें अपने एग्जांपल, एज एग्जांपल आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन सर प्रोटियम ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। हाँ आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन है कौन कौन से? प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्रिटियम। ड्यूटेरियम ट्रिटियम। ट्रिटियम होता है 1H1, ड्यूटेरियम 2H भी लिख देते हो या 2D भी लिख देते हो, एंड ट्रिटियम इसको 3H भी लिख देते हो या 3T लिख देते हो। तो इसका मतलब ड्यूटेरियम ट्रिटियम को तो डिफरेंट पोजीशन मिलना चाहिए था ना। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन हैव डिफरेंट एटॉमिक वेट, हैव डिफरेंट एटॉमिक मासेस, सो they should be placed at different
प्लेसेस या पोजीशन। लेकिन ऐसा है तो नहीं ना सर, मॉडर्न पीरियड टेबल में आइसोटोप्स के कुछ पोजीशन हम्म, सर मॉडर्न पीरियड टेबल में आइसोटोप्स की पोजीशन डिफाइंड है। हाँ वो क्लियर होगी क्योंकि फिर तो एटॉमिक नंबर कर दिया था ना हमने, एटॉमिक मास के हिसाब से। देखो एटॉमिक मास हाइड्रोजन का अलग है, ड्यूटेरियम का अलग है, ट्रिटियम का अलग है, तो ड्यूटेरियम ट्रिटियम को तो जगह मिली ही नहीं। हाँ बट ये बात अलग है कि जिस टाइम उस टाइम पे आइसोटोप्स की वो डिस्कवर नहीं हुए थे, बाद में हुए थे। आज हम कह सकते हैं कि पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स क्लियर नहीं है, उस जमाने में नहीं बोल सकते थे जब मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल दिया था, बिकॉज उस टाइम पे आइसोटोप डिस्कवर नहीं हुआ था। एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज को जानने के लिए हम उसको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से रिएक्ट करके देखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी जानने के लिए जो उसने मेंडलीव ने यूज किया था वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ऐड करके देखा था, लेकिन एक्चुअल में जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करता है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल न्यूक्लियस करता है और केमिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सर ये कैसे की फॉर्म के आती है सर, आपने साइंटिस्ट का नेम बताया था एक ऊपर इसमें सर, एक केसी सर जिसने हाइड्रोजन को वाटरिंग एलिमेंट कहा था। नहीं ये केसी का मतलब मैंने बोला है कि मैं कहीं लिखूं तो ये समझना नॉलेज क्लाउड, नॉलेज दे रहा हूं आपको कोई। ओके सर ओके, केसी का मतलब नॉलेज क्लाउड। तो सेकंड क्लियर है बेटा लिमिटेशन, पोजीशन ऑफ आइसोटोप इज नॉट क्लियर। यस सर। थर्ड इसको हटा दूं बेटा, आगे कर दूं सर। हां सर ये जो आइसोटोप बनते कैसे, आवाज नहीं आ रहा बेटा साफ आपका। सर आइसोटॉप्स बनते कैसे हैं सर? वो तो नेचर ने बनाया बेटा। अब कोई अपने को पूछे कि भाई हाइड्रोजन कैसे बना या एलिमेंट कैसे बना या आप और मैं कैसे बने, ये तो नेचर ने बनाया ना, नेचर में एग्जिस्टेंस है उसी को हम स्टडी कर रहे हैं। देखो देखो थर्ड पॉइंट जो है लिमिटेशन थर्ड क्या है, इसने क्या किया था जो आपका ये मेंडलीव था, इसने कुछ जगह पे जो डिफरेंट प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को सेम जगह प्लेस कर दिया था। और सर कुछ मास नंबर्स कुछ कुछ ज्यादा था उसको पहले कर दिया था वन बाय वन। उस पॉइंट पे भी आऊंगा, पहले इस पे आ जाओ। प्लेसमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टी, प्लेसमेंट ऑफ एलिमेंट ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन सेम ग्रुप, जैसे एज एग्जाम्पल उसने कॉइनेज मेटल को कॉइन बनते हैं इसे, कॉइनेज मेटल बताई थी ना सर, गोल्ड कॉपर सिल्वर गोल्ड गोल्ड कॉइनेज मेटल वर प्लेस्ड विद एल्कली मेटल। उसने क्या कर दिया था, कॉइनेज मेटल को एल्कली मेटल के साथ रख दिया था, जैसे लिथियम सोडियम पोटेशियम है ना, ये रुबिडियम सीजियम, इसी के साथ ही उसने कह दिया कि कॉपर सिल्वर और गोल्ड भी रख दो। तो आप बता सकते बेटा ये मिस्टेक क्यों हुआ उससे? क्योंकि सर उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके देखा था तो वही ऑक्साइड, उसने वैलेंस स्टडी किया था, तो जैसे देखो वैलेंस स्टडी किया था, उसने कहा कि जैसे NaCl बनाता है ऐसे AgCl भी तो बनता है वैलेंसी, वैसे ही हाइड्रोजन के साथ देखा उसने कि भाई ऐसी वैलेंसी, ऑक्सीजन के साथ देखा कि ऐसी वैलेंसी, जब ऑक्सीजन के साथ Na2 आया तो सिल्वर के साथ भी क्या होता है Ag2O। तो और उसकी जो पीरियडिक टेबल थी, यू नो इन लास्ट क्लास आई टोल्ड यू दैट The periodic table of Mendeleev is based on valencies. तो उसको valencies same लगी, तो उसको लगा कि इसको यहाँ रखना चाहिए, लेकिन इसका clarification वो नहीं दे सका, तो ये भी उसकी क्या हुई, एक drawback हो गया, limitation drawback। Placement of element of different properties in same group, जैसे coinage metal example भी दे सकते हो, जैसे coinage metal को उसने alkali metal के साथ रख दिया था। क्लियर, थर्ड वाला पॉइंट भी क्लियर है बेटा, चले आगे। यस सर क्लियर है सर। सर मतलब पूरी की पूरी कॉन्फ़िगरेशन इफेक्ट करती है प्रॉपर्टीज को। हाँ तो अब क्या है,
कि अब देखो फिर फोर्थ क्या हुआ, उसने खुद किसका बेस लिया था कि इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट को लिया था उसने प्लेस करने में, और खुद ही बेटा एक दो जगह ब्रेक रूल कर दिया उसने, कहा प्रॉपर्टी के हिसाब से तो यहाँ आ रहा है, एटॉमिक वेट के हिसाब से यहाँ आना चाहिए, तो मैं प्रॉपर्टी को प्रेफर करूंगा। उन्होंने बोला एटॉमिक वेट जो उसने बेस सिलेक्ट किया पुराने साइंटिस्ट वाला, खुद ही वो ड्रॉप कर दिया। तो फोर्थ क्या लिखेंगे हम सर? कोबाल्ट को निकल कर सर आगे पीछे कर दिया था। हाँ, आगे पीछे कर दिया था कोबाल्ट और निकल को, तो उसका क्लेरिफिकेशन उसके पास नहीं था। तो फोर्थ क्या है? ब्रेकिंग ऑफ एटॉमिक वेट रूल। हाँ, ब्रेकिंग ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस ड्यूरिंग प्लेसमेंट ऑफ एलिमेंट, प्लेसमेंट ऑफ एलिमेंट, जैसे एज एग्जाम्पल कोबाल्ट, कोबाल्ट होता है बेटा, कोबाल्ट का एटॉमिक वेट अगर देखोगे आप तो 58.9 होता है, 58.9 और उसका 58.7 होता है। हाँ, कोबाल्ट वाज प्लेस्ड बिफोर निकल, निकल और निकल का एटॉमिक वेट था 58.7। तो आप समझ रहे हो उसकी मिस्टेक, एक्चुअली कोई मिस्टेक थी नहीं, वो अनलक था उसका, बैड लक था एक्चुअली। वो किसको बेस लेके चल रहा था बेटा? वो एटॉमिक वेट, एटॉमिक मासेस से रिलेट कर रहा था से, ये प्लेसमेंट सही थी। हाँ, अदरवाइज ये सब ठीक था अगर वो सिर्फ इसको नोट कर लेता ना कि एटॉमिक वेट की बजाय एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है प्रॉपर्टी, तो एटॉमिक नंबर पर प्रॉपर्टी डिपेंड करती है, तो फिर ये मिस्टेक होती नहीं, फिर तो अपने आप ही सही हो जाता। मेहनत तो उसकी थी लेकिन कहीं थोड़ा सा मिस कर गया पिछले के काम को देखते हुए। तो ब्रेकिंग ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस ड्यूरिंग प्लेसमेंट ऑफ एलिमेंट्स लाइक कोबाल्ट वाज प्लेस्ड बिफोर निकल, इवन कोबाल्ट एटॉमिक मास ऑफ कोबाल्ट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ निकल। हाँ बेटा बोलो। सर जो एटॉमिक मास है वो एक तरह से एटॉमिक नंबर पे भी डिपेंड करता है ना? एटॉमिक मास जो है एटॉमिक नंबर, देखो एटॉमिक नंबर जो है प्रोटॉन का नंबर है वैसे, लेकिन जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। जब हम कोई रिएक्शन करवाते हैं, कोई प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं, दो टाइप की प्रॉपर्टी होती है बेटा, एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टी, एक होती है केमिकल प्रॉपर्टी। कोई एटम होता है जो अंदर न्यूक्लियस पार्ट होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और बाहर की साइड कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं, है ना? Yes, sir. नहीं होंगे जो इलेक्ट्रॉन। अब जब किसी से रिएक्शन कराएंगे तो न्यूक्लियस तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा ना, वो तो अंदर है, पार्टिसिपेट कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन्स प्रॉपर्टी के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, इसका मतलब वो कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। कौन सी प्रॉपर्टी? केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होंगे? इलेक्ट्रॉन। और जो फिजिकल है जैसे डेंसिटी है, मास है, इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होगा? न्यूक्लियस। इसलिए बोलते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? अच्छा, एक चीज और बताई थी उन्होंने, उन्होंने एक्चुअली क्या कहा था कि भाई प्रेडिक्शन ऑफ एलिमेंट किए थे, कुछ एलिमेंट का प्रेडिक्शन किया था ना, लेकिन एक्चुअली क्या है कि पूरी पीरियोडिक टेबल में देखें तो रेगुलर ट्रेंड नहीं आता, जो इंक्रीज होता है एटॉमिक मास का वो रेगुलर नहीं है। तो रेगुलर नहीं है तो हम ये नहीं बता सकते कि भाई रेगुलरिटी के बेस पर हमेशा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, मतलब प्रेडिक्ट कर सकते हैं ये एलिमेंट आएगा, लेकिन ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कितने एलिमेंट आए, भाई एक ही एलिमेंट इस प्लेस में आएगा या एक से ज्यादा एलिमेंट आएंगे, बिकॉज रेगुलरिटी नहीं है। ये एक पॉइंट भी है जो जनरली जो है मिस हो जाता है पॉइंट, तो इसको भी आप मेंशन करेंगे इस पॉइंट को भी, कि जो ये जो है नॉट पॉसिबल या अनेबल या नॉट एबल टू प्रिडिक्ट हाउ मैनी एलिमेंट्स कुड बी डिस्कवर्ड। भाई उन्होंने बताया तो था ये डिस्कवर्ड होगी, हर जगह तो नहीं बताया ना,
और कितने हैं ये नहीं बताया उन्होंने, नॉट एबल टू प्रिडिक्ट हाउ मेनी एलिमेंट, दो एटम के बीच में कितने, दो एटम के बीच, नॉट एबल टू प्रिडिक्ट हाउ मेनी एलिमेंट कुड बी डिस्कर्ड बिटवीन टू एलिमेंट्स। प्रिडिक्शन तो किया लेकिन कितने एलिमेंट ऐसे हो सकते हैं ये प्रिडिक्शन नहीं हो सकता था, हाउ मेनी एलिमेंट्स कुड बी डिस्कर्ड बिटवीन टू एलिमेंट, क्यों किस लिए, या टू सबसे बेस्ट ये है कि टू हैवी एलिमेंट में तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, लाइट में तो फिर भी बता दिया था उन्होंने, टू हैवी एलिमेंट क्या रीजन क्या, बिकॉज ड्यू टू इरेगुलर इंक्रीज ऑफ एटॉमिक मासेस। अगर हम एटॉमिक मासेस सबका स्टडी करें तो कोई रेगुलर इंक्रीज नहीं हो रहा, रेगुलर होता तो हम बता देते कि भाई ये प्रॉपर्टी, इसका मतलब ये भी तो प्रॉब्लम था ना, रेगुलर क्या चीज इंक्रीज होती है, ध्यान दो अब इस बात पे, रेगुलर एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन रेगुलर इंक्रीज होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे, अगर एटॉमिक नंबर पे काम करते फिर तो ये आइडिया लग सकता था, लेकिन एटॉमिक मासेस के बेसिस पर हम जो है उन्होंने कुछ तो प्रिडिक्ट कर दिए लेकिन ये नहीं बता सकते थे कि हाउ मेनी एलिमेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि कहीं पर तो प्रॉपर्टी में बड़ा चेंज आ रहा था, कहीं पर प्रॉपर्टी में कम चेंज आ रहा था, ऐसे डिफरेंट टाइप की आप जो है बोल सकते हो कि शॉर्ट कमिंग या जिसको लिमिटेशन बोलते हो आप, ड्रॉबैक बोलते हो, वो आप मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में दे सकते हो। तो मेंडेलीव में एक रिपीट कर दो बेटा, 5 मैंने आपको ड्रॉबैक बताए हैं, फर्स्ट कौन सा बताया था सर, फर्स्ट बताया था पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट क्लियर, सेकंड पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स आर नॉट क्लियर, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स आर नॉट क्लियर क्योंकि उसने एटॉमिक मासेस को कंसीडर किया था, थर्ड डिफरेंट प्रॉपर्टीज एलिमेंट इन सेम ग्रुप, और नेक्स्ट नेक्स्ट क्या, याद भी रखना बेटा कोबाल्ट और निकिल वाला, और लास्ट एक स्पेशल और पॉइंट बताया मैंने, नॉट एबल टू प्रिडिक्ट हाउ बिटवीन टू हैवी एलिमेंट मास हैवी, मतलब प्रिडिक्शन ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिटवीन टू एलिमेंट्स, हैवी एलिमेंट्स बिटवीन टू हैवी एलिमेंट्स कर दो और बेटर है, टू हैवी एलिमेंट्स कांट प्रिडिक्ट ड्यू टू इररेगुलर इंक्रीज ऑफ एटॉमिक मासेस। सर हाँ बेटा, सर ज्यादा सर डी ब्लॉक के अंदर ही होते हैं हैवी मेटल से, हाँ डी और एफ ब्लॉक वाले हैवी मेटल है बेटा, लिख लिया सभी ने, चलो आगे, यस सर यस सर, ट्राई करते हैं yes, चैप्टर आपका मैं कंप्लीट करा सकूं। देखो इसके बाद क्या हुआ, एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था मोजले, हेनरी मोजले, तो नेक्स्ट हेडिंग दे रहा हूं मैं आपको, मोजले कॉन्सेप्ट, मोजले एक्सपेरिमेंट कर दो, मोजले एक्सपेरिमेंट, या इसको बोलते हैं डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक नंबर, डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक नंबर, अगर एग्जाम में आ जाए एटॉमिक नंबर का डिस्कवरी किसने किया है तो क्या नाम देना, मोजले, मोजले, हेनरी मोजले, हेनरी मोजले, पूरा नाम है हेनरी मोजले। तो एक्चुअली क्या है कि मोजले ने भी जब मेंडेलीव ने काम किया तो मेंडेलीव के बाद मोजले ने अपना काम स्टार्ट किया, और वो भी इसी पॉइंट पे चल रहे थे कि भाई जो प्रॉपर्टी है वो किस पर डिपेंड करती है, एटॉमिक मासेस पर, तो सोच रहे थे कि भाई एटॉमिक मासेस से मैं प्रॉपर्टी स्टडी करता हूं, तो उसने एक एक्सपेरिमेंट सेटअप किया, उनका जो एक्सपेरिमेंट था कुछ ऐसा था बेटा, उन्होंने क्या किया मेटल्स ली और बार बार चेंज करते गए मेटल, मेटल्स ली और मेटल्स पर कैथोड रेज को बम्बार्ड किया, मतलब स्ट्राइक करवाया, कैथोड रेज, कैथोड रेज एक्चुअल में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन का स्ट्रीम होती है, इलेक्ट्रॉन का जो स्ट्रीम होता है उसको हम कैथोड रेज कहते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम को हम मेटल पर गिराते हैं तो मेटल से एक दूसरी रेज बाहर निकलती है जिसको आप एक्स रेज बोलते हो, जो आप कहते हो ना एक्सरे करवाने जा रहे हैं,
क्या बोलते हैं एक्सरे, तो यहां से एक आपको चीज मिल रही है कि भाई आपको से पूछा जाए एक्सरे कैसे प्रोड्यूस करोगे आप, तो आप क्या बोलोगे कैसे प्रोड्यूस करोगे? ओवर द मेटल्स, हाँ ऑन मेटल्स। तो उन्होंने क्या किया कि इधर से मेटल चेंज करते गए, डिफरेंट मेटल चेंज करते गए, और इधर से निकलने वाली जो एक्सरे थी इसकी एक प्रॉपर्टी स्टडी करते गए। एक्सरे की प्रॉपर्टी उन्होंने क्या स्टडी की, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे स्टडी की, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे मतलब ये एक प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी। तो फ्रीक्वेंसी जो एक्सरे की स्टडी की किसके रिस्पेक्ट, विद रिस्पेक्ट टू मेटल, डिफरेंट मेटल, वो मेटल लेते गए और एक्सरे स्टडी करते गए डिफरेंट मेटल। तो उन्हें लगा कि जैसे जैसे मेटल का एटॉमिक मास में चेंज करता जाऊंगा या इंक्रीज करता जाऊंगा तो एक्सरे की फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होनी चाहिए। तब उन्हें एक इंटरेस्टिंग रिलेशन मिला, मैथमेटिकल रिजल्ट मिला। क्या रिजल्ट मिला कि जो एक्सरे है, जो प्रॉपर्टी है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे है वो नॉट डिपेंड अपॉन, जैसा आज तक साइंटिस्ट सोचते आ रहे थे इस मामले में हेनरी मोजे लकी रहे बेटा, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे नॉट डिपेंड्स अपॉन, जो सोच रहे थे उसमें तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, किस पर, एटॉमिक मास, मास पर, एटॉमिक मासेस पर। बट उन्होंने मैथमेटिकल रिजल्ट को जब ऑब्जर्व किया वो अमेजिंग रिजल्ट मिला, उनको लगा यार ये क्या, ये तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे जो है एटॉमिक मासेस पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, ये तो एक चीज के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे, बट डिपेंड्स अपॉन एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। उनको तो नहीं पता था ना एटॉमिक नंबर होता है कोई, तो नंबर ऑफ इस पर डिपेंड, मतलब वो कह रहे थे प्रोटोन और न्यूट्रॉन पर डिपेंड नहीं कर रहा वो, सिर्फ किस पर डिपेंड कर रहे हैं, वो तो मैथमेटिकल ऑब्जर्वेशन था ना उनका, बट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन, और इसी प्रोटॉन को हम आज क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर, उन्होंने नाम दिया उसको एटॉमिक नंबर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, और जो रिलेशन दिया था फ्रीक्वेंसी का जो सिंबल होता है बेटा न्यू होता है न्यू, मैथमेटिकल रिलेशन आया वो ये है अंडर रूट न्यू इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी, ये एक मैथमेटिकल रिलेशन है बेटा। सर यहाँ पे ए और बी, ए और बी अलग अलग मेटल के लिए कुछ मैथमेटिकल वैल्यू आई थी जिसको कांस्टेंट बोला था उसने, पार्टिकुलर कांस्टेंट है ए और बी। तो ये जो इक्वेशन देखोगे बेटा अंडर रूट न्यू इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी, एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं ना जैसे अपने, तो उसके अंदर अंडर रूट न्यू ए जेड माइनस बी जो है एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। तो मैं अभी उसका ग्राफ बताता हूँ, पहले आप ये नोट कर लो इतना सर। सर एक्सरे की मदद से हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे पता चलेगा, हम तो फेक कर रहे हैं, ये मेटल का तो पता था ना, एटॉमिक मास नंबर तो पता था ना सबका हमें, एटॉमिक नंबर कैसे। हाँ तो उन्होंने देखा कि एटॉमिक मासेस के साथ अगर ग्राफ प्रैक्टिकली नोट कर रहे हैं तो इरेगुलर आ रहा है, लेकिन न्यूट्रॉन को हटा दें सिर्फ प्रोटॉन प्रोटॉन के रिस्पेक्ट देखें तो एक रेगुलर रिलेशन आ रहा है, तो इसका मतलब न्यूट्रॉन पर डिपेंड नहीं कर रहा, वो किस पर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ प्रोटॉन पर डिपेंड कर रहा है। मतलब उन्होंने बोला कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम लेने की जरूरत नहीं है हमें, सिर्फ किस पर लेने की जरूरत है, प्रोटॉन पर। वो उनको मैथमेटिकली दिखा जैसे ये रिलेशन निकाला मैथमेटिकल उन्होंने, तो रिलेशन आपके एग्जाम में पूछा जाता है अंडर रूट न्यू इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी, न्यू क्या होगा बेटा, यहाँ न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरेज, और जेड क्या है यहाँ पर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। क्लियर बेटा, लिख लिया इतना? यस सर, किसके कांस्टेंट है? हाँ वो ए भी कांस्टेंट है, वो वैल्यू गिवन होती है। अब क्या है कि जब उन्होंने ये देखा तो उन्होंने फिर बोला कि भाई ये न्यू जो डिपेंड कर रहा है इसका मतलब ये प्रॉपर्टी जो फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड किस पर कर रही है, डिपेंड नंबर ऑफ प्रोटॉन पर, प्रोटॉन एटॉमिक नंबर दिया। और उन्होंने इससे एक फिर रिजल्ट क्या दिया, एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लॉ दिया, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। एक तो है मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ और एक क्या चीज है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को मॉडर्न कर दिया, चेंज कर दिया, बस एक वर्ड चेंज कर दिया। क्या वर्ड चेंज किया था, जहां पर कहता है एटॉमिक मास की जगह
अब हम क्या कहने लगे फिर इसको हम कि प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ बाकी सब वही बातें पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एक वर्ड चेंज कर दिया बेटा एटॉमिक नंबर देयर एटॉमिक नंबर तो आपका दो तरीके से प्रॉब्लम आ सकता है क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि नंबर का डिस्कवरी किसने किया मोजले ने किया किस एक्सपेरिमेंट से किया क्या प्रॉपर्टी स्टडी की फ्रीक्वेंसी स्टडी की ऑफ देयर एटॉमिक तो अब जो है हमारी रिसेंट जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो बना दी गई फिर और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आपकी बना दी गई उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को किस बेस पर अरेंज कर दिया गया एटॉमिक नंबर के बेस पर एटॉमिक नंबर के बेस पे और जब एटॉमिक नंबर पे अरेंज कर दिया गया तो फिर क्या है ज्यादा बेस्ट रिजल्ट आने लगे और जो है अपने आप ही कुछ चीजें जो थी ड्रॉबैक वो हटने लग गए उसके एटॉमिक नंबर को जब कर लिया गया तो फिर हमारा आता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्लियर है बेटा सारी चीजें क्लियर yes, हो रही है ना क्लियर है यस सर चलो आगे यस सर यस सर अब देखो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ अप्लाई करके फिर हमने क्या कर दिया नेक्स्ट बना दिया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमारे पास क्या चीज है पहली बात किस पर बेस्ड है एलिमेंट्स आर अरेंज एलिमेंट्स आर अरेंज्ड ऑन बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर एटॉमिक नंबर Increasing order of their atomic numbers. बाकी कोई चेंजेस नहीं किए गए बाकी सारी चीजें जो उन्होंने रखी थी उस हिसाब से रखा गया तो अब इसके अंदर दूसरी पॉइंट क्या रखा गया कि एक आपके पास पहले की तरह जो ग्रुप रखे गए तो अब 18 वर्टिकल कॉलम्स को क्या नाम दिया गया मतलब ग्रुप्स 18 वर्टिकल कॉलम मतलब ग्रुप्स रखे गए और जो ग्रुप्स रखे गए जो 18 वर्टिकल कॉलम है उसमें जो ग्रुप रखा गया है तो एक ग्रुप के एलिमेंट्स जो हैं उन सब का क्या चीज सेम थी एक ग्रुप के पहले में 18 वर्टिकल कॉलम और 7 हॉरिजॉन्टल रोज हॉरिजॉन्टल रोज रोज रखी गई जिसको हम क्या बोलते हैं पीरियड्स पीरियड्स और जो वर्टिकल कॉलम है 18 उनकी काउंटिंग सीधी 1 से लेके 18 दी गई यस सर Yes, और sir. 7 horizontal rows हैं उसके अंदर जो पीरियड है फर्स्ट पीरियड जो है उसको बोलते हैं शॉर्ट पीरियड शॉर्टेस्ट पीरियड फर्स्ट पीरियड को क्या बोलते हैं शॉर्टेस्ट पीरियड इसमें जो एलिमेंट है 2 एलिमेंट है हाइड्रोजन एंड हीलियम फिर देखो जो सेकंड है आपका उसको सेकेंड और थर्ड दोनों को शॉर्ट पीरियड बोलते हैं सेकेंड भी एंड थर्ड भी शॉर्ट पीरियड शॉर्ट के बोलते हैं इनके अंदर होते हैं 8 एलिमेंट्स 8 एलिमेंट्स कौन कौन से वाले एक तो आपके देखो लिथियम से लेकर के नियॉन तक नियॉन सोडियम से लेकर के आर्गन आर्गन टू और थ्री शॉर्ट पीरियड हो गए फिर आगे थर्ड और फोर्थ
नहीं फोर्थ और फिफ्थ लॉन्ग पीरियड 14 एलिमेंट्स। तो जो लॉन्ग पीरियड है ईच के अंदर 18 एलिमेंट। यस सर। ईच के अंदर ईच 18 एलिमेंट। फिर जो सिक्स्थ पीरियड है लॉन्गेस्ट पीरियड लॉन्गेस्ट सेवंथ दोनों लॉन्गेस्ट हैं। सेवंथ तो अनडिस्कवर्ड है ना अभी है थोड़ा बहुत मिसिंग है लेकिन दोनों ही लॉन्गेस्ट हैं। ऐसे जनरली सेवन को इनकम्प्लीट बोल देते हैं हम लेकिन अब कंप्लीशन की तरफ है डिस्कवरी होती जा रही है। बट इनमें एलिमेंट्स कितने आएंगे 32 एलिमेंट्स। तो 18 वर्टिकल कॉलम है 7 हॉरिजॉन्टल रो है आपने पीरियोडिक टेबल याद कर रखी है उसके अकॉर्डिंग आप ये सारी चीजें मैच कर सकते हो देख सकते हो। यस सर यस। अब आप देखो नॉलेज क्लाउड ऐसी अगर आपसे पूछा जाए 8th या 9th पीरियड में कितने एलिमेंट आ सकते हैं 8th या 9th में मैक्सिमम 50 एलिमेंट बताना बेटा बाई चांस आगे की बात पूछ ले तो 8th या 9th दोनों पीरियड आएंगे तो उसमें कितने एलिमेंट बताने हैं आपने 50 एलिमेंट अगर आगे डिस्कवर हुए भी तो 50। हाँ बेटा बोलो सर। सर आपको कैसे पता कि सर 50 एलिमेंट्स ही डिस्कवर होंगे तो क्योंकि मुझे जो है मुझे जो वो स्टडी है उसके हिसाब से मैंने पता कर लिया है कैसे होंगे। आप भी पता कर लोगे अभी थोड़ी देर में मैं बताऊंगा तो 8, 9, 10 कोई भी पूछ लोगे किसी में बता दोगे आप अभी बताऊंगा मैं थोड़ी देर में है ना पहले तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स आर अरेंज्ड ऑन बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर 18 वर्टिकल कॉलम है ग्रुप है 1 से लेके 18 तक और 7 हॉरिजॉन्टल रोज है पीरियड है। क्लियर नॉलेज क्लाउड है क्लियर है। यस सर आगे चलूं। यस सर सर ये बोर्ड्स सर ये बोर्ड ने दी थी ना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मॉडर्न के बाद उसको बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म जो अभी पढ़ रहे हैं ना हम मॉडर्न के बाद लॉन्ग फॉर्म थी जो बोहर ने दी थी मॉडर्न तो मोजले ने दी मॉडर्न के बाद फिर आगे वो अब आपके सिलेबस में सिर्फ मॉडर्न तक दे रखा है इसलिए मैं ये बता रहा हूँ लॉन्ग फॉर्म आ जाए तो आपने किसका नाम देना है लॉन्ग फॉर्म स्टडी हम लॉन्ग फॉर्म ही कर रहे हैं एक तरह से लॉन्ग फॉर्म आ जाए तो किसने देना है बोहर ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर भेजता वो भी लिखवा दूंगा मैं भी करवा दूंगा अलग से। तो अभी इस पॉइंट पर आते इसको कंप्लीट करता हूं पहले मैं क्योंकि एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन दूसरे तीसरा निकलता जाएगा ना नहीं तो पहले इसको कंप्लीट कर ले। लिख लिया बेटा यस सर यस सर डन। अब देखो यस सर अब अगर आपके एक ग्रुप के एलिमेंट होते हैं तो उसकी क्या पहचान होती है देखो अगर किसी का आउटर मोस्ट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल को वैलेंस शेल बोलते हैं वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो वो सेम ग्रुप के हैं तो एलिमेंट्स ऑफ सेम ग्रुप एलिमेंट्स ऑफ सेम ग्रुप हैव सेम वैलेंस आउटर मोस्ट आउटर मोस्ट आउटर मोस्ट को कौन सा सेल बोलते हैं वैलेंस शेल वैलेंस शेल बोलते हैं आउटर मोस्ट को वैलेंस शेल एलिमेंट ऑफ सेम ग्रुप हैव सेम आउटर मोस्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेल सेम नहीं है क्या सेम है शेल का कॉन्फ़िगरेशन सेम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है जैसे अभी हमने देखा था हाइड्रोजन और एल्कली मेटल का तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम और तब वो सेम ग्रुप के हैं अगर पीरियड चेक करना है तो उसका आउटर मोस्ट शेल सेम एलिमेंट्स ऑफ सेम पीरियड एलिमेंट ऑफ सेम पीरियड वो क्या होता है सेम आउटर मोस्ट शेल सेम उसमें क्या होता है आउटर मोस्ट शेल और वैलेंस शेल उनका वैलेंस शेल सेम होता है जो सेकंड है तो सेकंड वाले का
वैलेंस शेल मतलब एन की वैल्यू सेम होगी, एन का वैल्यू सेम होगा, सेम होगी। सेकेंड पीरियड है तो सेकेंड पीरियड में सारा सेम होगा। और पीरियोडिक टेबल जो है ऑलरेडी आप लोगों ने याद कर रखी है सर। यस सर, यस सर, यस सर। उसी के ये सारे पॉइंट आ गए। आप चाहो तो इसके साथ इस तरह से करके दिखा सकते हो पीरियोडिक टेबल। एक आउटलाइन बना देता हूं, मैं एलिमेंट नहीं लिखता, मैं एक आउटलाइन बना देता हूं कि इस टाइप से पीरियोडिक टेबल है अब हमारी। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ये ग्रुप नंबर है, नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, फिर ऐसे आ जाओगे इधर थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन, थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं, सेवनटीन एटीन। ये जो हमारी बिल्कुल न्यू स्कीम है उसके अकॉर्डिंग ऐसे दिया गया। और इधर से आपको वन टू थ्री ये पीरियड फर्स्ट, वन टू थ्री पीरियड फोर फाइव और सिक्स सेवन एथनाइट्स सेवन है ना, ऐसे करके। बाकी आपको याद पहले मैंने करवा दिया था करना, बट एक बात क्या ध्यान रखो, अगर ये तो है रिसेंटली, कई बार ओल्ड वाली स्कीम पूछ लेते हैं। ओल्ड में इसको बोलते हैं फर्स्ट ए, इसको बोलते हैं सेकंड ए, फिर सीधा इधर आ जाते हैं, थर्टीन वाले को बोलते हैं थर्ड ए, फिर इसको बोलते हैं फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवन्थ। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को ए ब्लॉक बना दिया था। हाँ वो अभी बताऊंगा बेटा, एस और पी वाला ही बताऊंगा। सेवन्थ ए, और सेवन्थ के बाद सीधा इसको बोल दिया गया जीरो ग्रुप, 18 वाले को बोला गया था पहले, ये ओल्ड स्कीम। और यहां से जो स्टार्ट किया गया था, फिर थर्ड बी, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवन्थ बी, और जो मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको, देखो सेवन्थ बी मैंने कहा था, इन तीनों को मिला करके एट्थ ग्रुप बोलते हैं, पुराने वाला एट्थ, फिर ये वापिस फर्स्ट बी और ये सेकेंड बी। सर पुराना वाला नया कैसे मॉडर्न पीरियड के बारे में? मॉडर्न में तो अब काउंटिंग वन टू थ्री फोर कर दी गई ऐसे ग्रुप की, और पुराना तो मेंडेलियम में तो आपने ऐसे किया था ना, फर्स्ट ए सेकंड ए फर्स्ट बी सेकंड बी, तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे आप, उसके अकॉर्डिंग एट नाइन टेन ग्रुप सेम ही था। ये ओल्ड स्कीम है, जो रोमन वाली है वो ओल्ड स्कीम में देखो क्या हुआ, ओल्ड जो स्कीम थी हमारी उसमें हम करते थे फर्स्ट ए से लेकर के कहां तक सेवंथ ए, और फिर एक ग्रुप लेते थे जीरो, फिर फर्स्ट बी से लेकर के सेवंथ बी, और फिर जो था एक एट्थ ग्रुप था। तो वहां हमारे टोटल 16 ग्रुप थे ओल्ड स्कीम में, हमारे पास 16 ग्रुप थे, लेकिन अब एट्थ नाइन टेंथ एट्थ वालों को एट नाइन टेन नहीं के अंदर अलग अलग नाम दे दिया, अब एट नाइन टेन, ये अब हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ये हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्लियर? यस सर। अब आप मेरे से कह रहे थे, अभी किसी ने कहा था कि सर आपको कैसे पता कि आने वाले में 50 आएगा, आपको भी सिखा दूं ये वाला जादू, बता दूं कैसे करते हैं? देखो जरा फिर बता दीजिए। देखो जब भी क्वेश्चन कहीं भी कैसा भी आ जाएगा तो उसके लिए मैं एक देखो, हालांकि नाइन्थ और टेंथ वो नॉलेज के हिसाब से आता है, लेकिन मैं आपको सिखा देता हूँ, इसको हटा दूं आप। यस सर। ओके वेट की भी आवाज आई है, हो गया सर, चलें सब एग्री हो? यस सर, एग्री। यस सर। अच्छा इसकी रिकॉर्डिंग भी तो मिलती होगी ना आप लोगों को? देखो फिर मैं लिख रहा हूं नोट, नोट या केसी लिखो तो नोट का मतलब है बेटा ये आपको एक्स्ट्रा चीज आ गई, एक्स्ट्रा काम की चीज आ गई। देखो आपको कभी भी एलिमेंट निकालने तो ऐसे करना है, देखो सबसे पहले देखो सबसे पहला सब सेल कौन सा आएगा, वन एस, ठीक है,
सेकंड में कौन कौन से आएंगे? 2s और 2p. 2s 2p. 2s 2p. थर्ड में कौन से आएंगे बेटा? 3p 3d. फोर्थ में कौन से आएंगे? 4s 4d 4f. सुनो एक मजेदार बात और आ गई इसमें. एक बच्चे ने पूछा था कि सर एनर्जी कैसे देखते हैं, उसको भी इस क्वेश्चन का आंसर यहीं से मिल जाएगा. 4s 4p 4d f है तो 5 में कैसे लिखेंगे बेटा? 5p 5d 5f. 5d कर देते हैं. 5d चले तो भाई. यस सर. यस सर. 6 में चले तो 6x 6d 6f 6d 6f 6f. आगे चले जाओ. आप तो साइंटिस्ट बनने जा रहे हो ना, आप आगे की चीजें प्रेडिक्ट करने जा रहे हो. पीरियोडिक टेबल के बाद भी यस आएगा है ना. तो 7 पर देखो. 7 पर 7s 7p 7d 7f 7g 7h 7i है ना, ऐसे चलता जाएगा. 8 पर होंगे तो 8s 8p 8d 8f 8g 8h 8j 9 10 कुछ भी पूछ ले वो कितना स्मार्ट बन जाए एग्जामिनर, आपको आइडिया आ जाएगा. तो फिर लोग कुछ भी क्वेश्चन दे दे आप कर लोगे. ऐसा लिखने के बाद आप क्या कर दो बेटा, इसको ऐसा ना तिरछा काट दो, ऐसे ओब्लिक काट दो ऐसे. अगर नाइन्थ में भी अपने काम किया होता तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती अपने को ना, वो एन प्लस एल रूल ऑफ बोरूल सब कर लेते हैं. ऐसे आप तिरछा काट लो बेटा है ना. अब यहाँ पर सपोज मैं ये भी रख देता हूँ 10s वाला भी, तब भी अपने ऐसे कर दिया बेटा. ऐसा कर लोगे. ऐसा करने के बाद हेड को टेल से मिलाते जाओ. कौन सा लेटर बनता जाएगा देखो, कैसा लेटर बनता है? एस बनता है. एस बनता है. एस बनता जा रहा है ना. यस सर. ऐसे हम एस बना लेंगे जितने बन सकते हैं. ठीक है. यस सर. ओके. एस बनाने के बाद अब यहां से खेल स्टार्ट हो जाएगा. यहां से गेम जो है वो स्टार्ट होता है. कौन से वाला कि किस ग्रुप में कितने एलिमेंट हैं ये निकाल. क्या करो, जैसे मान लो आपको फर्स्ट ग्रुप में चाहिए, सपोज फर्स्ट में, तो फर्स्ट से स्टार्ट होगा 1s से, लेकिन फर्स्ट को क्रॉस करके मत जाना. तो 1s जाके यहां रुक जाओगे बेटा. रुक गए तो yes, आप sir. 1s से यहां रुक गए तो s में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं मैक्सिमम? तो फर्स्ट पीरियड देखो, फर्स्ट पीरियड में सिर्फ हमारा s आया, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए. जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे उतने एलिमेंट होंगे, तो कितने एलिमेंट हो गए हमारे पास? यही तो पढ़ा था ना आपने. यस सर. फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं? 2 एलिमेंट. क्लियर? मान लो सेकंड में ये जो मैंने लिखा है ना, ये s करके मैंने जो बनाया, एक्चुअल में ये एनर्जी ऑर्डर है. ये कौन सा ऑर्डर है? एनर्जी ऑर्डर. एनर्जी देखना भी आ जाएगा. ये जो ऑर्डर है एनर्जी का है, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग की तरफ. नेक्स्ट देखो, सपोज आपको 2s में सेकंड में चाहिए तो 2s से स्टार्ट करोगे आप. यस सर. पिंक कलर दिखाई दे रहा है आपको, 2s से स्टार्ट करोगे. लेकिन 2 को क्रॉस करके नहीं जाना बेटा, तो यहां रुक जाओगे. तो आप सेकंड पीरियड में देखो बेटा, सर 2 प्लस 6 तो 8 हो जाएगा. कहां कहां इलेक्ट्रॉन गए आपके 2s में और 2p में? 2p में 2s में 2 जाएंगे, p में 6 जाएंगे. ऐड कर दो, कितने एलिमेंट आ गए? 8. इसलिए आप बोलते हो कि सेकंड पीरियड में 8 है. क्लियर? यस सर. सपोज आपको जाना है थर्ड में, तो यहां से स्टार्ट करो बेटा 3s से. 3s से आगे नहीं बढ़ना, 3s 3p 4s में नहीं जाना, तो यहां रुकना पड़ेगा हमें एनर्जी के हिसाब से. यस सर. 3s और 3p. 4s में नहीं जाऊंगा आगे, 3 को क्रॉस नहीं करूंगा. तो अगेन मेरे पास क्या आया देखो, थर्ड पीरियड में 18 एलिमेंट्स आ गए. 10 2 प्लस 6 प्लस 10. 3s में इलेक्ट्रॉन फिल करने और 3p में करने, मतलब 2 इसमें 6 इसमें, तो अगेन कितने आ गए? 8 एलिमेंट. इसीलिए आप बोलते हो थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट है? 8 एलिमेंट. सपोज आपको 4 में निकालने बेटा, देखो 4 यहां से स्टार्ट करोगे 4?
पीछे जा सकते हो, आगे नहीं जा सकते फोर से, तो पीछे तो थ्री डी में तो जा सकते हो आप, लेकिन फोर पी को आगे क्रॉस नहीं करेंगे, नहीं कर सकते, नहीं करेंगे। तो अब मेरे पास फोर एस में, फोर पी में और थ्री डी में आ गया, तो मुझे किस में फिल करने हैं आपकी बार? देखो फोर्थ पीरियड में मुझे एलिमेंट निकालने हैं, फोर्थ में निकालूंगा तो फोर एस, फोर पी और थ्री डी में इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। एस में कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो बेटा मैक्सिमम? बी में कितने कर सकते हो मैक्सिमम? सिक्स। डी में कितने कर सकते हो मैक्सिमम? टेन। कितना हो गया टोटल बेटा? 18। इसलिए तो आप कहते हो कि फोर्थ में 18 होंगे। मान लो फिफ्थ में निकालने हैं, फाइव एस को से आगे नहीं जा सकते, पीछे जा सकते हो, तो इधर चलता जाऊंगा, इधर चलता जाऊंगा, फोर डी में भी आ जाऊंगा, इधर भी आ जाऊंगा, लेकिन यहां रुक जाऊंगा। तो देखो फिफ्थ पीरियड में किस किस में आ गए? फाइव एस ये वाले, फाइव पी और फोर डी। क्लियर? यस सर। कितने आ गए? अब देखो टू सिक्स टेन, अगेन कितने आ गए? 18 एलिमेंट्स। 18 एलिमेंट, दैट्स व्हाई यू से हाउ मेनी एलिमेंट आर प्रेजेंट इन फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड? 18 एलिमेंट। तो क्या अब, क्या अब आपको रटना पड़ रहा है? नो सर। नो सर, मतलब आप निकालते जा रहे हो। सपोज ऐसे ही आप सिक्स पीरियड में निकालोगे, ऐसे सपोज हम ले लेते हैं सिक्स पीरियड में, सिक्स पीरियड यहां से स्टार्ट होगा बेटा, यहां से चलता हुआ पीछे 4f में जा सकते हो, यहां तक आओगे तो देखो 6s p 5d 4f, तो 6s 6p 5d 4f 4f, तो इलेक्ट्रॉन निकाल लो। टू सिक्स टेन फोर्टीन, टोटल 32। यस सर। ऐसे ही 7 में निकालोगे 32। मैंने आपको बोला था किसके अंदर? 8 और 9 में। आ जाओ बेटा, ये देखो आपको एट्थ एलिमेंट में सपोज निकालना होता तो यहां से स्टार्ट करते, यहां से आप जाते जी में और इधर आते एफ सेवन डी एट, एट को क्रॉस नहीं करते, तो ये वाला चलते जाओ। आप देखो एट्थ में निकालो, आप एट्थ पीरियड में देखो किसमें इलेक्ट्रॉन फिल किया आपने, एट एस एट पी, फिर एट एस सेवन डी, सिक्स एफ फाइव जी, 5G. S में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। P में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 4 बढ़ाते जाओ, 6। D में कितने आ सकते हैं? 10। F में 14। G में भी तो बता सकते हो कितने आ सकते हैं? 18। तो टोटल सम कर दो 50। ये आ गया ना। तो अगर आगे डिस्कवरी हुई और एट्थ पीरियड में भी एलिमेंट डिस्कवर हुए तो एट्थ में हो चाहे नाइन्थ में हो, कितने एलिमेंट आएंगे उसके अंदर बेटा? 50 एलिमेंट्स। 50 आएंगे। और वो हम ये जो मैंने सब बताया आपको रूल से, ये तो मैंने ट्रिक सिखाया आपको, लेकिन एक्चुअल में ये रूल क्वांटम नंबर ऑफ बोर रूल पढ़ते हैं तो उससे बनता है, बट हम लोगों ने डायरेक्ट एक बार, क्योंकि अब उतना हमें नहीं आइडिया भी, तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो कभी भी निकालना हो या एनर्जी ऑर्डर भूल जाओ तो इस चीज को याद रख लेना, इस नोट को, इस नोट को याद करोगे, ऐसे नोट जो बताता जाऊंगा उससे जिंदगी में नोट कमाओगे आगे जाकर के। यस सर, जरूर है ना। तो ये क्या है कि ये चीजें आपको जैसे पढ़ते पढ़ते क्या चीजें हैं और देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं और उनको कैसे निकलते हैं, तो ऐसे इन्हीं चीजों को हमें सोचना है। क्लियर बेटा? पीरियोडिक टेबल क्लियर है? यस सर। यस सर। सर मुझे एक चीज पूछनी थी। पढ़ा था कि पीरियोडिक टेबल की एक लिमिट है 137, क्योंकि कहते हैं उसके बाद जो न्यूट्रल होने के लिए वो लाइट की स्पीड से ज्यादा होना पड़ेगा, सर ऐसा है कुछ क्या? हम बढ़ा सकते हैं जितना चाहे एलिमेंट का? अगर हम ये वो ये कह रहे हैं कि 137 इसलिए बोलते हैं, वो हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, जो न्यूट्रॉन और प्रोटोन रेशियो होता है ना, वो एक लिमिट तक ही न्यूक्लियस में स्टेबल हो सकता है। भाई आप 137 तक ले जा रहे हो तो प्रोटोन भी तो 137 होगी ना उसके अंदर। यस सर। न्यूक्लियस में उस हिसाब से न्यूट्रॉन भी है, तो मॉडर्न फिजिक्स में हम पढ़ते हैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो 1.5 से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर 1.5 से ज्यादा हो गया तो न्यूक्लियस के पार्टिकल जो है वो न्यूक्लियस को छोड़ के बाहर निकलने लग जाएंगे, इसलिए बोलते हैं कि उनकी स्पीड जो हो जाएगी वो मतलब अपने आप एक फिनोमिना होने लग जाएगा,
और वो मतलब अनस्टेबल होने जाएगा, डिस्ट्रॉय होने लग जाएगा चीजें। रेडियोएक्टिविटी बताया ना ये? हाँ, वो रेडियोएक्टिविटी से भी आगे का पॉइंट पूछ रहा है वो बच्चा। उसमें वेलोसिटी ऑफ रेडियोएक्टिविटी में जो पार्टिकल टूटते हैं उनकी वेलोसिटी लाइट जितनी तो नहीं होती ना, तो लाइट जितनी भी हो जाए। ठीक है बेटा, चलो आगे आगे बढ़ो। सर यस सर सर चले बेटा, अब एक बार तीन चार पॉइंट है वो क्लोज कर दूं, फिर बात कर ले आगे। यस सर, जिससे अपना टॉपिक क्लियर हो जाए ना। कुछ बातें जो मेरे दिमाग में वो बता दूं, इसको हटा दो बेटा। यस सर आसानी रहेगी, थोड़ा बना के देखोगे, बना बना के देखते रहना तो पता लग जाएगा इसको। सर सर वैसे ऐसा हो क्यों रहा है सर कि 1s 2s 2p हम अगर ऐसे ऐसे ही सिनेरियो रहे हैं तो एलिमेंट रीजन, उसका रीजन मैंने बताया ना बेटा कि उसमें एटॉमिक नंबर और जो क्वांटम नंबर और वो रूल होते हैं ना उसके अकॉर्डिंग आता है ये। वो तो अभी हमने पढ़ा नहीं, वो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। अभी तो मैंने सीधा आपको हिंट ट्रिक से सिखा दिया कि ऐसे निकलते हैं, ये इतना होता है ना सर। हाँ सर, वैसे जब कोई भी पार्टिकल सर लाइट की स्पीड से ज्यादा चलता है तो सर उसका मास बढ़ने लगता है, तो सर जब आपने बताया कि सर जो रेडिएटिव नहीं नहीं मास बढ़ने नहीं लगता, मास कम होने लगता है, मास लेस होने लगता है वो भाई। जितना तो सर मतलब कभी ऐसी स्टेज आएगी कि तब उसका मास रहेगा ही नहीं, भाई नेग्लिजिबल होता है ना, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, रहेगा नहीं का मतलब है कि जैसे वायर में रेजिस्टेंस है। हां जो अपने जैसे अब हवा के अंदर बहुत सारी रेडिएशन है ना जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं लेकिन मूव कर रही है, वो वैक्यूम में भी मूव, जैसे एक्सरे ले लो, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स ले लो, एक्सरे ले लो, रेडियो वेव्स ले लो, तो ये वेव्स हैं, ये इनकी स्पीड जो है लाइट की वेलोसिटी जितनी है, वेलोसिटी लाइट की जितनी है, इसीलिए ये क्या है कि अब मास लेस, नेग्लिजिबल मास जितनी होगी इसलिए हमें पता नहीं लगता। देखो बेटा, अब थोड़ी देर के लिए अभी किसी ने क्वेश्चन नहीं करना है जिससे कि मैं आपका पार्ट कंप्लीट कर दूं ये, ठीक है बेटा, फिर लास्ट में हम करेंगे। देखो अब हमारे में क्या दे रखा है, कुछ ट्रेंड्स दे रखे हैं हमें, आपको ट्रेंड्स जो है वो डायरेक्ट याद करने में कुछ लिखवा रहा हूं, ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इस ट्रेंड के अंदर जैसे पहले अपने को दे रखा है वैलेंसी जो है, वैलेंसी जनरली क्या करते हैं हम, वैलेंसी कई तरह से डिफाइन करते हैं बट जनरली हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी डिटरमाइन करते हैं वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल। बट वैलेंसी की मीनिंग बेटा अलग अलग है कि अगर हम एट हाइड्रोजन के लिए वैलेंसी देख रहे हैं तो 4 तक बढ़ती है फिर घटती है, लेकिन जनरली यह वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको। जैसे मान लो हाइड्रोजन है, हीलियम है, मान लिथियम वाला ले लेते हैं, लिथियम है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, है ना, तो इसमें अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखा है तो इसके अंदर कितना होगा आउटर मोस्ट में, जैसे ये सेकंड पीरियड है, सेकंड पीरियड में लिखोगे तो 1s2 2s1 1s2 2s2 1s2 2s2 2p1 कार्बन में 1s2 2s2 2p2 नाइट्रोजन में 1s2 2s2 2p3 ऑक्सीजन में 1s2 2s2 2p4 फ्लोरीन में 1s2 2s2 2p5 नियॉन में 1s2 2s2 2p6 आउटर मोस्ट शेल बेटा ये है जो सेकंड नंबर वाला है, क्योंकि सेकंड पीरियड है ही। ये इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यस सर यही इनकी वैलेंसी कंसीडर कर लेंगे हम। क्लियर? यस सर। जो आउटपुट साइड में आपको दिखाई दे वो उसकी वैलेंसी है।
दूसरा पॉइंट इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो इंक्रीज हो रहे हैं, तो वैलेंस इंक्रीज हो रही है ना इलेक्ट्रॉन के रेफरेंस में। सेकंड होता है एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज। इसमें क्या है कि जनरली आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाओगे या टॉप टू बॉटम आओगे, तो लेफ्ट टू राइट जाओगे तो साइज जो होगा वो इंक्रीज होगा। नहीं उल्टा लिख दिया मैंने, रेडियस डिक्रीज होगा, साइज जो होगा वो डिक्रीज होगा, पीरियड में साइज डिक्रीज होता है, साइज डिक्रीज अलोंग पीरियड ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट। Also electronegativity increases. वो बेटा बताता हूँ अभी मैं, साइज डिक्रीज होगा एलोंग, और रीजन क्या बताओगे, ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोटोन नंबर, इंक्रीज इन प्रोटोन नंबर, प्रोटोन न्यूक्लियस में प्रोटोन नंबर इंक्रीज होगा तो अंदर की तरफ खींचेगा एटम को, तो एटम का साइज छोटा आता है जेड। और ऊपर से नीचे जाओगे बेटा, ऊपर से नीचे किसी पीरियोडिक टेबल में, तो जनरली जनरल ट्रेंड बोलोगे साइज इंक्रीज होगा, ऊपर का मतलब मैं कह रहा हूं इंक्रीज अलोंग या विद इन करो इसको, साइज इंक्रीज इन ग्रुप ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम। ऐसा क्यों होगा बेटा, ड्यू टू इंक्रीज इन शेल नंबर, डोमिनेंट है प्रोटोन पर, डोमिनेंट है शेल नंबर, किसी भी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आपके साइज जो होंगे वो, जैसे आपका मान लेते हैं बेरिलियम है, जैसे आपका लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन है ना, यस सर, सोडियम फ्लोरीन है और नियोन है, तो जनरली जाओगे तो देखो साइज क्या होते जाएंगे, इंक्रीज डिक्रीज होते जाएंगे ना लेफ्ट टू राइट, डिक्रीज क्लोरीन का और कम हो जाएगा। बट यहां पर आपको एक्सेप्शन मिलेगा, एक जो होगा मैं कलर चेंज कर देता हूं थोड़ा सा, जैसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का रेडियस चेक करोगे तो नाइट्रोजन का थोड़ा सा इंक्रीज होता है भाई, इससे इंक्रीज इससे, ऑक्सीजन का कितना होना चाहिए था, ठीक है ऑक्सीजन का डिक्रीज ही किया ना, ठीक है ठीक सही किया मैंने, सही बनाया था नाइट्रोजन ऑक्सीजन को तो छोटा बनाया ना। अब देखो नियोन जो है नोबल गैस है, इसका साइज अपने पीरियड में हमेशा सबसे बड़ा होगा, ये एक्सेप्शन ध्यान रख लेना, क्या एक्सेप्शन ध्यान रखना है, साइज ऑफ नोबल गैस होना क्या चाहिए था, सबसे छोटा होना चाहिए था ना नोबल गैस, लार्जेस्ट, इसलिए एक्सेप्शन से याद करना एक्सेप्शन, साइज ऑफ नोबल गैस इज लार्जेस्ट, और वो क्यों होता है उसका रीजन, ड्यू टू इट्स वेंडरवाल रेडियस, ये वर्ड याद रखना, मतलब ये इससे कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाता, ये इससे बॉन्ड नहीं कोई बनाता है तो उसको वेंडरवाल बोलते हैं, वेंडरवाल फोर्सेस पड़ते हैं ग्रेफाइट में सर, ये वैन डर वाल्स रेडियस क्या है, ये वीक फोर्स है, मतलब किससे बॉन्ड नहीं बनाएगा, ये अगर कोई बॉन्ड नहीं बनाएगा तो उसका साइज बड़ा रहेगा, अगर किससे बॉन्ड बनाते हैं, बाकी सब क्या बॉन्ड बनाते हैं सब किसी ना किसी कंपाउंड में, मतलब ये अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, ये किसी ना किसी के साथ अटैच होकर एग्जिस्ट करते हैं, अपने मटेरियल सब्सटेंस बनाते हैं, तो इसलिए इनके साइज उनके अंदर छोटे होते हैं, इनकी जो रेडियस कंसिडर करते हैं वो कोवलेंट रेडियस होती है, जो कोवलेंट रेडियस होती है वो कंटिन्यूसली छोटी होती जाती है, जो साइज की बात कर रहे हैं वो कोवलेंट रेडियस की बात कर रहे हैं, और जो किसी से बॉन्ड नहीं बनाता है, एक्चुअल बॉन्ड नहीं बनाता किसी से,
तो मतलब नियोन आर्गन अकेले रहते हैं ना, इनका एटम देखोगे कभी भी इनका फार्मूला क्या होता है, अकेला होता है, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन। तो इसलिए आपने एक वर्ड याद रख लेना है, अभी लार्जेस्ट होता है अपने एक्सेप्शनली, जो साइज ऑफ नोबल गैसेस है वो लार्जेस्ट है। लेकिन क्यों लार्जेस्ट है? ड्यू टू इट्स, वर्ड याद कर लेना, वैन डर वाल्स रेडियस। एक कोवलेंट रेडियस होता है, वैन डर वाल्स रेडियस, और एक मेटल होता है। अगर तीनों में कंपेरिजन करें, मान लो एक एलिमेंट है, देखो ये फिर नॉर्थ, अगर मैं कंपेरिजन करूं, एक का रेडियस है कोवलेंट, उसी मेटल का रेडियस है मेटेलिक, और उसी का रेडियस है वैन डर वाल, तो सबसे बड़ा रेडियस किसको बोलोगे आप? वैन डर वाल। वैन डर वाल। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि कोवलेंट है, एक ही एलिमेंट का कोवलेंट रेडियस, उससे एम का, सी का मतलब क्या लिख रहा है, समझ रहे हो ना, सी का मतलब कोवलेंट और एम का मतलब मेटेलिक। मेटेलिक। एम का मतलब मेटेलिक और वी का मतलब वैंडरवाल। अगर एक ही एलिमेंट डिफरेंट टाइप की रेडियस कंसीडर करते हो तो कोवलेंट से बड़ी मेटेलिक, मेटेलिक से बड़ी वैंडरवाल। और जनरली आपको पहले तो एटॉमिक साइज याद रखना है, पहला पॉइंट पहले याद करना, एक्सेप्शन बाद में। तो साइज एक बार बेटा रिपीट कर दो, साइज अगर मैं किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाऊं तो साइज क्या होंगे? डिक्रीज। डिक्रीज। और ये डिक्रीज होने का रीजन पूछेगा तो बेटा क्या रीजन दोगे? ड्यू टू द इंक्रीजिंग प्रोटॉन नंबर। प्रोटॉन नंबर। और प्रोटॉन नंबर को शॉर्टकट में आप न्यूक्लियर अट्रैक्शन भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? न्यूक्लियर अट्रैक्शन। सर इसे न्यूक्लियर चार्ज भी कह सकते हैं? हाँ, न्यूक्लियर चार्ज भी बोल सकते हैं, न्यूक्लियर अट्रैक्शन, न्यूक्लियर चार्ज, कुछ भी बोल सकते। और टॉप टू बॉटम जाओगे तो साइज क्या होगा बेटा? इंक्रीज। इंक्रीज। इसका रीजन क्या बताओगे क्यों इंक्रीज होगा? ड्यू टू इंक्रीज इन शेल नंबर। इंक्रीजिंग शेल नंबर। ऊपर से नीचे आएंगे। हैं? शेल नंबर सर बढ़ते कैसे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, जैसे लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे और सोडियम का लिखोगे तो शेल इंक्रीज हो जाएगा ना। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखा था ये देखो, 1s2 2s1। अगर मैं सोडियम का लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? 11 हो जाएगा ना, 1s2 2s2 2p6 3s1। अब देखो शेल कौन से वाला आ गया लास्ट तक? 3s1। थर्ड तक चले गए। ये न्यूक्लियस है तो यहां तक साइज लेना पड़ेगा ना अब आपको, और लिथियम होता तो यहां से यहीं तक ही लेते, तो शेल बढ़ने से साइज बढ़ गया। क्लियर? Yes, sir. आगे चले, ये कर लिया, नोट कर लिया? Yes, sir. आज कब तक क्लास है? आज बेटा आपका 2 घंटे का क्लास है। ओके सर। सर आपका माइक नीचे हो गया। माइक? सर वो माइक बीच में नीचे हो गया तो आवाज एकदम से धीमी हो गई थी। अच्छा, तो वो थोड़ा मूव कर गया था। ओके सर। सर सर एक बार उसका रीजन फिर से बता दीजिए कि लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज कम क्यों होता है? क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन का नंबर रेगुलरली बढ़ रहा है और शेल नंबर सेम है। शेल तो सेकंड पीरियड है तो सेकंड ही रहेगा ना पीरियड में। यस सर। और अंदर प्रोटॉन का नंबर बढ़ रहा है तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनों को धीरे धीरे अंदर की तरफ क्या करने लगेगा? खींचने लगेगा। खींचने लगेगा तो साइज क्या होने लग जाएगा? पर सर जो इलेक्ट्रॉन भी तो सर बढ़ रहे हैं ना सर? इलेक्ट्रॉन तो बढ़ रहे हैं लेकिन सेम शेल में बढ़ रहे हैं ना, शेल तो सेकंड ही है ना सर। तो फिर वो धीरे धीरे एक दूसरे को रिपेल भी तो करेंगे जिससे कि वो बड़े हो सकते हैं। शेल नया नहीं हो सकता ना, शेल तो वही है, जगह तो उतनी है ना, उस जगह से बाहर नहीं जा सकते वो। ओके सर। रिपेल करके बाहर नहीं जा सकते। क्लियर? चलो बेटा दूसरे पॉइंट पे। यस सर। इसमें देखो फिर आपका एक पॉइंट आता है, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज। अगर मेटेलिक नॉन, अभी आपने पीरियोडिक टेबल देखा, अगर आप इधर से इधर जाओगे पीरियोडिक टेबल में और इधर से इधर आओगे, तो इधर जाओगे तो इधर आपका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा,
नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, इधर से इधर जाएंगे तो इंक्रीज होगा और ऊपर से नीचे आएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। सर एक एग्जांपल दे दीजिए। जैसे मान लेते हैं अपने, अगर हम मेटल लेते हैं, जैसे मान लो सोडियम है, ये सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकन तक आ गया, तो सिलिकन के बाद आप क्या फास्फोरस में आ गए, सल्फर में आ गए, क्लोरीन में आ गए। सिलिकन तो मेटलॉइड हो गया ना। हाँ, वो मेटल से नॉन मेटल में ट्रांसफॉर्मिंग होता है तो नॉन मेटलॉइड, मेटलॉइड बोल देते हैं। अब देखो फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन कैसे हैं, जनरली मेटल का मतलब समझते हो, मेटल कौन सा होता है, मेटलिक प्रॉपर्टी क्या होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब जिसमें ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, ईज ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, जो कैटायन जल्दी बना सकता हो उसकी मेटलिक प्रॉपर्टी ज्यादा होती है, जो कैटायन इजिली बनाता हो। और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी कौन सी होती है, जो एनायन इजिली बनाता है, जो एनायन इजिली बनाता है, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन कैटायन इजिली बनाता है या एनायन, सर एनायन, एनायन। और सोडियम क्या बनाता है, कैटायन या एनायन, एनायन, कैटायन, 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 कैटायन। तो मेटल जो है वो होती है जो इजिली क्या बनाती है, कैटायन, कैटायन, नेगेटिव आयन, और कैटायन का मतलब पॉजिटिव आयन। सीएल देखो जैसे बना देता है सीएल नेगेटिव इजली, लेकिन एनए क्या बनाता है, एनए पॉजिटिव, इसलिए इसका मतलब नॉन मेटलिक कैरेक्टर किस साइड इंक्रीज हो रहा है, नॉन मेटलिक लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, तो साइज बड़ा होता जाएगा, यस सर, ये जल्दी कैटायन बना देगा ऊपर से, मेटेलिक कैरेक्टर जो होगा टॉप टू बॉटम इन। बट यहां पर एक पॉइंट होगा कि जैसे यहां बोरोन है, मैं उसको लिख देता हूं, जैसे यहां बोरोन है, बोरोन के नीचे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के आगे सिलिकन है, और सिलिकन के जस्ट नीचे जर्मेनियम है, जर्मेनियम और आर्सेनिक, और फिर यहां मैं आ जाऊंगा आर्सेनिक सल्फर सेलेनियम के नीचे टेलुरियम होता है और पोलोनियम होता है। yes, ये जो एलिमेंट है, ये मैंने ऐसे बनाए हैं, जैसे पीरियोडिक टेबल में जो यहां से ये अलग कर रहे हैं एलिमेंट को, इनमें दोनों ही प्रॉपर्टी होती है, जो रेड वाले बनाए हैं इनके अंदर दोनों ही प्रॉपर्टी होती है, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं हम, जो मेटल और नॉन मेटलॉइड, मेटलॉइड। हाँ सर, तो फिर हम यहाँ पर हाइड्रोजन क्यों नहीं रखते इसमें, सर मेटलॉइड की जगह पे हमें फिर हाइड्रोजन रखना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन भी नॉन मेटल, नहीं वो दोनों बातों में फर्क है, हाइड्रोजन मेटल के साथ नॉन मेटल और नॉन मेटल के साथ मेटल की तरह बिहेव करता है, ये तो एक ही बोरोन ही है, जैसे बोरोन के अंदर मेटेलिक प्रॉपर्टी नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी यहाँ से चेंज हो रहा है, मेटेलिक प्रॉपर्टी से कुछ नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी मिल रही है, और वो तो क्या है कि वो तो ग्रिड की तरह है कि अगर मेटल के पास पहुंच गया तो बोलेगा मैं नॉन मेटल हूं, और नॉन मेटल के पास पहुंच गया तो बोलेगा मैं मेटल हूं, जैसे हाइड्रोजन देखो क्लोरीन के पास पहुंच गया तो क्या बन जाएगा, HCl मेटल, क्लोरीन नॉन मेटल, यही हाइड्रोजन इतना बदमाश है कि अगर ये कैल्शियम के पास, सोडियम के पास पहुंच गया तो क्या बन जाएगा, नॉन मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल, ओके सर, समझ गए। तो ये जो है हमारे पास बीच वाली प्रॉपर्टी होगी, वो बीच वालों को हम मेटलॉइड्स बोलेंगे, क्लियर, यस सर, यस सर, सर, यस सर, सर, हाँ, जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, उनकी जो एटॉमिक नंबर है वो वैलेंस है, जो वो एल्केली मेटल्स के इक्वल है, तो फिर सर उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज क्यों है, नहीं तो अंदर उनके आगे पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्यूजन जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे ना, अभी तो इतना पढ़ा नहीं हमने, तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन अलग होते हैं उनके, बाहर तो सेम है लेकिन अंदर उनके 8 इलेक्ट्रॉन की बजाय 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए उनकी प्रॉपर्टी में चेंजेस आता है, यही तो प्रॉब्लम किसको हो गया था, मेंडलीव को, मेंडलीव को, बाहर से उसने देखा कि एक जैसे लग रहा है, उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, उसने सेम रख दिया, लेकिन जब और स्टडी किया तो पता लगा कि अंदर एक जैसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अंदर 8, अगर देखो सोडियम है, जैसे देखो आपका एग्जांपल लेता हूं मैं, सोडियम, सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11,
28 और 1 आता है, और कॉपर का कितना होता है, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29, तो 2, 8, 18 और 1, आउटर मोस्ट तो सेम दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ देखो यहाँ अलग है, ये 8 है, यहाँ पर कितने हैं 18. ये चेंजेस हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, उसको इनर्ट और सूडो इनर्ट बोलते हैं, तो इसीलिए इनकी प्रॉपर्टी में चेंजेस आता है। कॉपर की तो सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है ना, हाँ ये 18 है, इसीलिए तो सूडो नोबल बोलते हैं ना, 8 होता है तो नोबल बोलते हैं, 18 हो जाता है तो सूडो नोबल बोलते हैं। सर हाँ अरे सूडो नोबल और नोबल क्या होता है सर? ये जो मैं 8 इलेक्ट्रॉन बता रहा हूँ ना, 8 और 18, Yes, अगर sir. अंदर की साइड 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे 8 दिखाई दे रहे हैं, तो इसको बोलते हैं नोबल, है ना, और अगर 18 होते हैं तो इसको बोलते हैं, वैसे सूडो नोबल की बजाय सूडो इनर्ट, और ऊपर वाले को इनर्ट बोल देते हैं, ये यूज करते हैं कॉन्फ़िगरेशन। सर सूडो का मतलब तो वो होता है सर फॉल्स, फॉल्स इनर्ट में मतलब वो क्या मतलब दिखाना चाहते हैं? मतलब ये कि भाई इनर्ट दिखाई दे रहा है लेकिन इनर्ट जैसा है नहीं, जैसे अभी एक स्टूडेंट ने पूछा ना कि सर एनए और सीयू एक जैसे ही हैं, तो दिखाई दे रहे हैं एक जैसे लेकिन है नहीं। यस सर। सर सर जो लिथियम है और जो सोडियम है, तो फिर सर उसकी भी तो अंदर की एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन अलग है। अलग क्यों, उनकी सेम है भाई। जो लिथियम है तो लिथियम की प्रॉपर्टी में थोड़ा सा चेंजेस आता है, वो धीरे धीरे पढ़ोगे ना, एकदम से सारा नहीं हो पाएगा ना अभी। तो जैसे लिथियम है, जैसे लिथियम में कितना लिखा आपने, 2 और 1, तो 8 भी इनर्ट होता है, 2 भी इनर्ट होता है। 8 और 2 क्या होते हैं, इनर्ट। ये इनर्ट गैस हीलियम वाला होता है, फर्क बस इतना है, वो नियोन वाला होता है, लेकिन ये तो नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ही नहीं ना 18, तो समझ गए। अच्छा सर, यस सर, चलें। यस सर, यस सर। देखो बेटा, अब आपका आपने मेटेलिक नॉन मेटेलिक के साथ देख लिया, अब मैं आपको ना एक दो चीजें और थोड़ी थोड़ी बता देता हूँ, जैसे आयोनाइजेशन पोटेंशियल, क्योंकि ये कंपटीशन में पूछा जा सकता है। यस सर, सर किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी। हाँ, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, एनर्जी या मिनिमम एनर्जी बोल सकते हो, मिनिमम एनर्जी required to remove electron from outermost shell of isolated neutral gaseous atom। अगर कोई अकेला एटम ले लें, उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, सपोज मान लो कोई भी है, कोई भी स्पीसीज है, मान लेते हैं इवन सीएल है, क्लोरीन है, इस क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा आपने 2, 8 और 7 था, तो इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए यहाँ एनर्जी देंगे हम, जिससे सीएल पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए। तो ये जो एनर्जी होती है जो देते हैं अपने, इस एनर्जी को कौन सी एनर्जी बोलते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल या आईपी वैल्यू। तो आपको क्या है, ट्रेंड ध्यान रखना है आईपी वैल्यू में। अगर आप अभी ट्रेंड ध्यान रखना, देखो इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं जो अभी बताने जा रहा हूं। ट्रेंड जो ध्यान रखना है कि अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे, ट्रेंड बना देता हूं ना, ये लिख लिया आपने तो मैं ट्रेंड बना देता हूं। अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे, टॉप टू बॉटम आओगे, तो जब लेफ्ट टू राइट इधर जाओगे तो आईपी वैल्यू जनरली इंक्रीज होगी। जनरली क्या होगी, इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि नॉन मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकालना तो डिफिकल्ट है ना, इंक्रीज होगी। सर वैसे भी सर साइज छोटा हुआ जा रहा है, साइज भी छोटा हो रहा है जनरली, और ऊपर से नीचे आओगे तो सर ये कम होगी क्योंकि साइज बढ़ रहा है तो डिक्रीज होगी, इंक्रीज। लेफ्ट टू राइट इंक्रीज, टॉप टू बॉटम डिक्रीज, डिक्रीज। अब ध्यान रखना है, इसमें मैं आपको ट्रेंड लिख के दे रहा हूं, इस ट्रेंड को ध्यान रखना है, क्वेश्चन यहां फंसेंगे आपके एग्जाम में, यहां आएंगे। देखो जैसे सपोज आपके पास लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है,
नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियोन है, सपोज कोई भी पीरियड। बेटा लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि साइज छोटा होता जा रहा है, साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है ना, न्यूक्लियर ज्यादा इफेक्टिव है। यस सर। इसलिए लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आईपी वैल्यू इंक्रीज, मतलब ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और सर बॉटम आओगे तो साइज इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है सर, आयनाइजेशन पोटेंशियल का कोई फॉर्मूला होता है? नहीं नहीं कोई फॉर्मूला, एनर्जी है अलग अलग के लिए, अलग अलग आएगी, डेटा होते हैं प्रैक्टिकल। अब आप देखो मतलब उनमें कोई रिलेशन आया हो डेटा में एटॉमिक साइज से रिलेटेड? नहीं नहीं ऐसा कोई रिलेशन नहीं होता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से रिलेट होता है, ऐसे बाकी से रिलेट नहीं होता है। देखो मुझे पॉइंट पे आने दो एक बार, तो पॉइंट कंप्लीट करने दो मुझे पहले। तो आईपी वैल्यू जो है आपकी एनर्जी चाहिए किसी को भी आयन बनाने के लिए, कैटायन आने के लिए, तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, तो इन जनरल इंक्रीज होनी चाहिए, लेकिन कुछ जगह एक्सेप्शन है, कुछ जगह आपको आईपी वैल्यू जो होगा वो जितना है उससे ज्यादा आएगा, जैसे बेरिलियम का बोरोन से ज्यादा, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से ज्यादा, नियोन का जितना है उससे भी ज्यादा। अब ये सिर्फ आप ट्रेंड याद कर लो यहाँ पर। तो अब देखो, अब मुझे ट्रेंड बताओ, सेकंड पीरियड में ट्रेंड बताओ कि सबसे कम किसका आएगा? लिथियम। फिर किसका आएगा? कार्बन। कार्बन नहीं बेटा, बोरोन है पहले। बेरिलियम पहले, बोरोन फिर बेरिलियम। सामने लिखी हुई चीज को पहले देखो, मतलब ये ऑर्डर आ रहा है, इसी पे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। अब वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देगा, आपको बताना है कि भाई किसका ज्यादा है, तो ऑर्डर क्या आएगा। ये प्रैक्टिकल डेटा है, उनके रीजन है बहुत सारे हैं, पूरे चैप्टर है, वहां पर हम नहीं जाना चाहते, बट यहां मैं बता रहा हूं कि इसका मतलब लिथियम, लिथियम से ज्यादा बोरोन, बोरोन से ज्यादा बेरिलियम, से ज्यादा कार्बन, कार्बन से ज्यादा ऑक्सीजन, उससे ज्यादा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फ्लोरीन, फ्लोरीन से ज्यादा नियॉन, नियॉन। सेम ऐसे ही नीचे वाले मेंबर में, जैसे लिथियम के नीचे क्या है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। तो अब देखो फिर यहां भी वही एक्सेप्शन, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम से ज्यादा, फास्फोरस सल्फर से ज्यादा, और ऊपर से नीचे जाओगे तो कम होगा, तो लिथियम और सोडियम में किसका होगा? अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? पूछा जाता है मिनिमम, मिनिमम क्या बोल रहा हूं, मैक्सिमम आईपी वैल्यू, ये पूछा जाता है। सोडियम की लिथियम से ज्यादा है? नहीं, और भी तो बहुत है ना, नोबल गैसेस की ज्यादा होती है, तो हीलियम आ जाएगा आंसर। क्या आंसर देना है? हीलियम। हीलियम सबसे आईपी मैक्सिमम जो है, आयन, इलेक्ट्रॉन आयन बनाना सबसे डिफिकल्ट जो है हीलियम का है, क्योंकि हीलियम इधर आ जाएगा ना, यस ऊपर से नीचे भी तो कम हो रहा है। यस सर, ज्यादा हो रहा है, तो मैक्सिमम आईपी वैल्यू, और इधर से ये वाला ट्रेंड याद रखना है आपने कंपटीशन के लिए। ये ट्रेंड कैसे आया, क्यों आया, ये आप हायर क्लासेस में स्टडी करोगे, लेकिन अभी आपको सिर्फ ट्रेंड याद रखना कि क्या ट्रेंड आ रहा है। ओके सर, ओके सर, और इससे आपका काम चल जाएगा। मतलब मेरा ये पर्पज है कि आपका अभी एग्जाम जो देने जा रहे हो, बोर्ड वोर्ड में तो कोई पूछेगा नहीं, ये जो एग्जाम देने जा रहे हो उसमें आपका पर्पज शॉर्ट आउट हो जाए। आगे देखो, फिर एक पॉइंट पूछेगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अगर ये चीज पूछ ले आपसे, ये वर्ड पूछ ले इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ई एन वैल्यू, ये होता है पावर, होता है पावर टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ बॉन्ड टुवर्ड इटसेल्फ। पावर है इसलिए इसका कोई यूनिट वूनिट नहीं होगा, पावर टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। तो इसमें भी आपने डेटा याद कर लेने हैं, मैंने कुछ बता रहा हूं आपको। ये भी क्या होगा, जनरली वही सेम जैसे वो वाली थी आईपी वैल्यू, वैसे ही ईएन वैल्यू।
लेफ्ट टू राइट जाओगे तो ई एन वैल्यू इंक्रीज, टॉप टू बॉटम आओगे तो ई एन वैल्यू डिक्रीज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज हो। इसमें देखो ई वन में कुछ वैल्यू दे रहा हूं आपको, ये याद रखनी है बेटा, हाइड्रोजन याद करवा भी दूंगा मैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाता क्योंकि बॉन्ड के लिए है ये, तो वो नहीं लेना। तो देखो बेटा याद करो ऐसे, लिथियम का तो, हाइड्रोजन का तो अलग से याद करो, 2.1 होता है। अब आ जाओ लिथियम, 1 से स्टार्ट कर लो और 0.5 का डिफरेंस डालते जाओ बेटा, लिथियम का 1 तो बेरिलियम का याद हो जाएगा अभी का भी 1.5, बोरोन 2, कार्बन 2.5, नाइट्रोजन 3, 3.5, फ्लोरीन। अब वापस नीचे की साइड चलोगे तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तो वापस कम होने लगेंगे, जैसे वापस क्लोरीन का जो होगा वो 3 के आसपास है, इसका 3.1 होता है 3, ब्रोमीन का 2.8, इसका 2.5, ऑक्सीजन सल्फर वापस नीचे होने लगेगा, सल्फर का 2.5, नाइट्रोजन फास्फोरस कम होने लगेगा 2.1। अब देखो आपके पास, अब मैं कुछ ट्रिक दे रहा हूं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की, देखो किस किस की सेम है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम से याद रखना, HP हिंदुस्तान पेट्रोलियम, हाइड्रोजन और फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है बेटा, HP हिंदुस्तान पेट्रोलियम दोनों का सेम, कितना कितना है देख सकते हो आप, दोनों का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2.1 हिंदुस्तान, कार्बन और आयोडीन का भी है, मैं बता रहा हूं बेटा, आ रहा हूं, हाइड्रो हिंदुस्तान पेट्रोलियम मतलब H और P का सेम, सर्किल सब इंस्पेक्टर सर्किल सब इंस्पेक्टर या जो भी आप अपना अपने तरीके से भी याद रख सकते हो, तीनों का सेम है बेटा, मतलब कार्बन सल्फर और आयोडीन 2.5 सबका 2.5 है, कार्बन सल्फर और आयोडीन, कार्बन सल्फर आयोडीन, आपसे पूछे जाएगा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, मैक्सिमम ई एन वैल्यू फ्लोरीन, फ्लोरीन का है मैक्सिमम, सेकंड मैक्सिमम, और क्लोरीन का भी तो अप्रोक्सीमेटली सेम होता है ना, किसका सर, नाइट्रोजन और क्लोरीन का भी तो सेम होता है ना इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, हाँ वो अप्रोक्सीमेट सेम 3.13, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देखो किसका, फ्लोरीन का, सेकंड ऑक्सीजन, सेकंड मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, इतनी चीजें याद रख लेना बेटा, थर्ड पे वैसे नाइट्रोजन होगा, हाँ नाइट्रोजन होगा सर, ब्रोमीन का कितना लिखा है, ब्रोमीन का कितना लिखा है आपने, 2.8, हालांकि ब्रोमीन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आपको तो मैक्सिमम और सेकंड मैक्सिमम याद कर लो और ट्रेंड याद कर लो, लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या रहती है, क्लियर? यस सर। और एक आपकी एनसीईआरटी में तो नहीं होगा लेकिन एक चीज और मैं ऐड करवा रहा हूं लास्ट में, एक होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, एक वर्ड होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एक वर्ड क्या होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन ऐड करने की प्रॉपर्टी जो होती है, कर लिया बेटा ये? यस सर। आप एक नोट करके लिख देना पॉइंट, नॉलेज क्लाउड में लिख देना, एक तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लिखा है, एक क्या बता रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिन मतलब होता है जुड़ना, ये जो होता है ईज ऑफ एडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी में इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, मतलब एनायन एटम इलेक्ट्रॉन को कितना चाहता है ऐसे भी बोल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए ज्यादा मैं डिटेल या करूंगा तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, मैं इजी वे में बताना चाहता हूँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब है कि कोई इलेक्ट्रॉन को कितना ऐड करके एनायन कितना बना इजिली बना सकता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये भी लेफ्ट टू राइट सेम चीज, ई ए लिखूंगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को,
इन जनरल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होगी, लेफ्ट टू राइट जाओगे और टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होगी। बट इसमें ये ध्यान रखना, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछा जाए, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछा जाए तो क्लोरीन मत देना, फ्लोरीन देना आंसर। क्या आंसर देना है? फ्लोरीन। और लोवेस्ट भी पूछी जाती है, ये लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नियोन देना, याद कर लेना बेटा चीज। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन, लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नियोन। बाकी इसका ऑर्डर काफी डिसऑर्डर है, अगर कोई याद करना चाहे तो मैं देख लेता हूं यहाँ पर, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन है। तो नियोन जो आएगा वो सबसे कम हो जाएगा, नियोन यहाँ आ जाएगा सर, उसका अंदर का ऑक्टेट पूरा है तो वो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं चाहता। हाँ वो मतलब रीजन होते हैं, लेकिन वो रीजन पे अभी जाना नहीं चाहता, लंबा डिस्कशन हो जाएगा, तो आप ट्रेंड याद कर लेना। और इसी टाइप से उसके बाद आता है आपका ये बेरिलियम, ये इधर आ जाता है बेरिलियम, और फिर एक आपका आ जाता है नाइट्रोजन यहां पर, नाइट्रोजन। तो ऑर्डर देखो अब क्या बन जाएगा, इवन बोरोन भी लिथियम से पहले आ जाता है, जो बोरोन होता है ये भी लिथियम से पहले आ जाता है, तो काफी मतलब एम्बिग्यूटी होती है। तो ऑर्डर क्या रहेगा देखो, सबसे कम नियोन, फिर बेरिलियम, फिर नाइट्रोजन, फिर बोरोन, फिर लिथियम, अब आगे वाले जो रहेंगे लिथियम, कार्बन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। ऐसे ही सेकंड में अगर देखोगे आप, अब जो याद करना चाहे वो कर लेना, जो नहीं करना चाहता कोई इश्यू नहीं है, मैं एक्स्ट्रा नॉलेज में ही दे रहा हूं, इसलिए नॉलेज क्लाउड लिखा मैंने। जैसे होता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, इसमें भी देखो सेम वही ट्रेंड, आर्गन सबसे कम चला जाएगा, आर्गन सबसे, फिर मैग्नीशियम भी कम चला जाएगा, फिर जो फास्फोरस है वो कम जाएगा, लेकिन वो बस एक प्लेस पीछे जाएगा, बाकी सब यही ट्रेंड रह जाएगा। तो इसके अंदर निकालोगे तो आर्गन तो अलग अलग जगह अलग अलग आता है, मैग्नीशियम, फिर सोडियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर फास्फोरस, फिर सिलिकॉन, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन। ये मस्ट है, ये मस्ट है आपके लिए, इंपॉर्टेंट है। अब मुझे ये बता दो कि आईपी वैल्यू मैक्सिमम किसका था, आयनाइजेशन पोटेंशियल, मैक्सिमम हीलियम का, हीलियम, हीलियम। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मैक्सिमम किसकी थी, फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन की। ये मैंने इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फ्लोरीन की है ना, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन की नहीं है, ये गलत लिख दिया मैंने। वो तो फ्लोरीन का क्या क्या, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो करनी है वो फ्लोरीन की करनी है, फ्लोरीन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन का करना है। तो ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है बेटा, अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखोगे तो वो ये आएगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लिखोगे, वो क्वेश्चन में लिख देता हूँ, जो काफी पॉपुलर है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, ऑर्डर तो बना लो आप, कि एक पूछा जाएगा ईएन वैल्यू, तो ईएन वैल्यू बनाओगे आप तो वो तो बनाओगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। EN वैल्यू कहेगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यू ऐसे आएगी, और जो EN वैल्यू आएगी वही उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर आएगी, किसी को ऑक्सीडाइज करेगा। टेंथ में आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग पावर भी आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन की ज्यादा होगी। लेकिन अगर मुझे EN की बजाय इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछ लिया उसने, थोड़ा सा डिफरेंस है वर्ड का, ध्यान देना एग्जाम में, आयोडीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन पीछे ले आना, सबसे आगे क्लोरीन को रखना। ये किसका ऑर्डर बता रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सर हाँ सर, ऐसा डिफरेंस क्यों आ रहा है? रीजन है बेटा, फिर उसमें बहुत सारा कुछ डिटेल पढ़ाना पड़ेगा ना, इसलिए मैं तो आपको कुछ जो फैक्ट है वो बता रहा हूँ, और ऐसा ही आपके एग्जाम में आता है, जो एनटीएससी वाला है ना, इफेक्ट पूछे जाते हैं।
वो आप इलेवंथ में पढ़ोगे, इलेवंथ ट्वेल्थ में पढ़ोगे, ऐसा क्यों होता है। और ऐसे ही एक बॉन्ड एनर्जी होता है बेटा, इसी कॉन्सेप्ट में बॉन्ड एनर्जी, मतलब बॉन्ड को तोड़ने वाली एनर्जी, क्योंकि सारे डायटोमिक मोलिक्यूल है ना ये, तो आई टू के बाद एफ टू आ जाएगा, सी बी आर टू और सी एल टू। ये मैं क्या बोल रहा हूं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अरे बॉन्ड तोड़ने के बाद की जो एनर्जी रिलीज होती है उसके बारे में, या फिर जो बॉन्ड बॉन्ड को ब्रेक करने में, जैसे आयोडीन बड़ा है, क्लोरीन बहुत छोटा है, तो छोटा होता है तब भी एक दूसरे को रिपेल करके बॉन्ड जल्दी टूट जाता है, बड़ा होता है तो वीक होता है जल्दी टूट जाता है। तो फ्लोरीन जो है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड को ब्रेक करने वाली जो एनर्जी है वो सबसे कम किसकी है, आयोडीन। फिर सीधा किसका आंसर है, फ्लोरीन एक्सेप्शन में चल रहा है, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सबसे आगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एक पीछे हो गया, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में दो पीछे हो। जैसे कई बार होते हैं ना ऐसे, बच्चा एट्थ नाइन्थ में बहुत टॉपर होता है, फिर टेंथ टेंथ में आते हुए फिर पीछे होने लग जाता है, फिर ट्वेल्थ में आते थे और पीछे हो जाता है। तो फ्लोरीन ऐसा ही बच्चा है, जो पहले फ्लोरीन क्या था, जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वैल्यू और ऑक्सीडाइजिंग पावर देख रहे थे तो सबसे आगे था, फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में पीछे हो गया, एक प्लेस पीछे हो गया, सेकंड पोजीशन पे आ गया, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में थर्ड पोजीशन पे आ गया, और जने टोटल चार ही हैलोजन, उनमें कंपटीशन है। तो ये बड़ा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, हो सकता है आप एग्जाम में जाओ तो आज की क्लास में कई क्वेश्चन ऐसे बताए जो सीधे सीधे मिल सकते हैं आपको, सीधा वहां पर आप आएंगे तो मैं से डिस्कस करेंगे सर ये वाला क्वेश्चन तो हमने किया था सर। सर लोएस्ट ईएन वैल्यू किसका होता है, क्या सर लोएस्ट ईएन वैल्यू किसका होता है? लोएस्ट फिर इधर है सीजियम, बहुत नीचे है, और नोबल गैसेस बनाते ही नहीं, उनको भी जीरो बोलते हैं, तो लोएस्ट मीनिंगलेस है, सिर्फ लोएस्ट नहीं बात करते, हाईएस्ट की बात करते। ओके सर, ठीक है बेटा, तो ये आपका चैप्टर जो है कंप्लीट है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी मैंने बता दी हैं लास्ट में ऐड करा दी हैं आपको, और अगर मुझे नेक्स्ट टाइम क्लास मिल गई आपके 13 से पहले तो क्लास में आपको मैं नोमेनक्लेचर भी बता दूंगा, ठीक है बेटा? यस सर, ओके बेटा, सी यू वेरी सून फॉर नेक्स्ट लेसन, गुड इवनिंग सर, थैंक यू, गुड इवनिंग, वेलकम बाय सर, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। मजा आ गया भाई आज, बात तो सही है, अभी कार्बन चैप्टर में और मजा आएगा, कार्बन चैप्टर में मजा हाँ आ सकता है। बायो में आज इकोलॉजी होगी ना? नहीं भाई, वो थोड़ा सा पार्ट बचा था एक्स्ट्रा का, उसके बाद होगी इकोलॉजी।